हाँ जी बेटा, तो इनकम टैक्स की नेट प्रैक्टिस में आपका स्वागत है फिर से। अब हम आज बात करने वाले हैं पीजीबीपी की। पीजीबीपी आपको पता है जी, बहुत बड़ी हेडिंग मानी जाती है। तो इसके बारे में कुछ जो चीज़ें बेसिकली आपके दिमाग में होती हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इसमें हमें सिखाया जाता है कि किस तरह की इनकम्स यहाँ टैक्स होंगी और उसके अगेंस्ट कैसे एक्सपेंसेस यहाँ अलाउड होंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि भी आप अपना ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं और अपनी मन मर्जी से कोई भी खर्चा उसमें लिख देंगे। एक्ट डिसाइड करेगा कि किस खर्चे की डिडक्शन मिलेगी और कौन सी इनकम आपको इस हेड में टैक्स होगी। जैसे अगर आपकी इनकम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से आ रही है, तो भाई आप पीजीबीपी की तरफ ना देखें, उसके लिए एक पहाड़ जैसी हेडिंग हमने पीछे कवर की है। कौन सी हेडिंग थी बेटा? सैलरीज में जाएं। रेंटल इनकम आपकी आ रही है तो नॉर्मली आप हाउस प्रॉपर्टी में, मैं हाउस प्रॉपर्टी बेटा शायद कवर करूं, पक्का नहीं है कि करूंगा कि नहीं, क्योंकि वो बहुत इजी हेड है। अगर ज़रूरत होगी तो उसकी एक समरी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। बड़े हेड्स मैं कवर करना चाहता हूं तो आपकी आपको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचे। तो अगर रेंटल इनकम होगी तो ज़्यादातर हाउस प्रॉपर्टी में, किसी भी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, फिर आप प्रोफेशनल हैं, जैसे आप डॉक्टर साहब हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपकी इनकम यहाँ टैक्स होनी है। कैपिटल एसेट को बेचा जाएगा तो कैपिटल गेन में ही जाएंगे। रेजिडुअल इनकम के लिए कौन था? अदर सोर्स। तो ये हेड ये बताएगा कि किस तरह की इनकम्स यहाँ आएंगी। फिर खर्चों पे बहुत सख्त है ये हेड, ये बताएगा कि कौन से खर्चे की डिडक्शन मिलनी है, कौन से की नहीं मिलनी है, ठीक है भाई। तो हम ये सारा हिसाब किताब इसमें सीखने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूट का अगर स्टडी मटेरियल देखें तो 189 पेज है बेटा, पर कोई बात नहीं बेटा, सैलरी में भी आपने पूरी हिम्मत रखी है मेरे साथ, वो भी हमने कवर किया, ये भी जरूर कर लेंगे, करना बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो इन्होंने दिखा रखा है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल पता हो तो उसमें ये खर्चे डिसअलाउ करते जाएं, फिर अलाउ करते जाएं, तो इनकम आ जाएगी। जैसे एक थोड़ा आइडिया दे रखा है कि एक्सपेंसेस जो डेबिट हो गए हैं बट अलाउबल नहीं है तो उन्हें ऐड बैक कर दें। ये कोई बिल्कुल बिगिनर बच्चा सुन रहा है तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये सिचुएशन है। जैसे किसी ने पी एंड एल बनाया, उसमें अकाउंटिंग के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकाल लिया, तो यहाँ काफ़ी एक्सपेंसेस लिख दिए जो अकाउंट सुख में थे, और हो सकता है कि इनकम टैक्स लॉ में वो खर्चे अलाउड ना हो, या जैसे उसने क्लेम किए वैसे अलाउड ना हो। जैसे अकाउंट्स में आप डिडक्शन अपनी मर्जी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कर देते हैं, इनकम टैक्स में सेक्शन 32 है, उसमें आपको डिडक्शन कैसे क्लेम करनी है, क्या रेट वगैरह रहेंगे, वो सब वहीं बता रखा है। तो हो सकता है कि डिप्रिसिएशन जो यहाँ आपने डाली है, मतलब कि अकाउंट्स बनाते वक्त अपने पी एंड एल में, वो इन्हें पसंद ना आए तो ये आपकी डिडक्शन को डिसअलाउ कर सकते हैं। फिर इनकम टैक्स का खर्चा अगर आपने बुक किया हुआ है प्रोविजन की फॉर्म में या और फॉर्म में भी टू इनकम टैक्स करके, वो स्पेसिफिकली डिसअलाउड है इस सेक्शन में, ये भी डिसअलाउ हो जाएगा। और ऐसी कई बातें बेटा, अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो बहुत समरी सा वीडियो बनेगा, मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ थोड़ा कवर। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि कुछ एक्सपेंसेस अलाउबल हैं डिडक्शन की तरह, पर आपने डेबिट नहीं कर रखे पी एंड एल में। तो जैसे डिडक्शन जो रूल 5 के अकॉर्डिंग कंप्यूट करनी है, सेक्शन 32 में क्लेम करनी है, उसकी बात छेड़ दी गई है, और कई बातें लिखी गई। ऐसे ही इन्होंने दिखाया कि कुछ इनकम्स यहाँ क्रेडिट हो गई होंगी पी एंड एल में। हमारी आदत होती है कि रेंट आए प्रॉपर्टी से तो हम पी एंड एल में डाल ही देते हैं अकाउंट्स बनाते वक्त, पर इनकम टैक्स में हमें पता है कि वो रेंट हाउस प्रॉपर्टी में ज़्यादा चांस हो जाता है टैक्स होने का, ठीक है भैया। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ दे रखी हैं। और अगर हम देखते हैं तो कई चीज़ें और हैं, जैसे कि डिविडेंड है जो यहाँ टैक्स नहीं होने वाला है, एग्रीकल्चर इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, कैपिटल एसेट की सेल पे कैपिटल गेन है, रेंट है, लॉटरीज हैं, गिफ्ट्स हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग हेडिंग है। नो डाउट अगर हम अपने नॉर्मल रेगुलर कोर्स की बात करें तो इसमें काफ़ी लेक्चर्स में कवर होता है, बहुत मतलब मेरे तो 20-25 लेक्चर लग जाते हैं बेटा। तो ये एक चैलेंज है अपने आप में कि हमें इसे एक लिमिटेड टाइम में करना है, बट हम इसमें क्या करेंगे कि जो पॉइंट एग्ज़ाम के एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट सारे कवर करेंगे। अब मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, भैया ये आपने पहली लाइन में कवर कर लेना, जिस तरह देखना क्या कहता है, टैक्स पेबल बाय एसएससी ऑन हिज इनकम अंडर द हेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ। ज़्यादातर बड़े लोग खुद बिजनेस नहीं करते,
उनके बिहाफ पे मैनेजर ही बिजनेस को करते हैं, तो टैक्स इसी हेड में लगेगा, एनी टाइप ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अब नीचे बिजनेस का भी मतलब दिया हुआ है, प्रोफेशन का भी दिया हुआ है, ये आपने भाई आपको अपने आप ही पढ़ना है, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में समझा रहा है कैश में भी हो सकते हैं, काइंड में भी हो सकते हैं। प्रॉफिट में बी रियलाइज्ड इन मनी और इन मनी वर्थ, दैट इज इन कैश और इन काइंड। वेयर द प्रॉफिट इज रियलाइज्ड इन एनी फॉर्म अदर देन कैश, तो उसकी कैश इक्वलेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझे कि नहीं। जिस तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैश में तो वही की क्रेडिट सेल की या कैश सेल की, अगर एक्सचेंज कर लिया, गुड्स आपने दिए और बदले में कोई और गुड्स ले लिए, तो इवन देन उसमें भी प्रॉफिट वाला एलिमेंट हो सकता है। कैपिटल रिसीट्स नॉर्मली कहता है यहाँ नहीं आएंगी, प्रॉफिट कंप्यूट करते हो, तो कैपिटल रिसीट पे हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली एग्जम्प्ट अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल, ठीक है जी। वॉलंटरी रिसीट्स, जैसे वो कहता है जी पेमेंट वॉलंटरली मेड बाय पर्सन हू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग एट ऑल वुड बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट इफ दे आर रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और एक्साइज ऑफ प्रोफेशन और वोकेशन। भाई बिल्कुल ये बात थी, हमने पहले जीएसटी वगैरह में भी देखी ऐसी बातें, एग्जांपल से शायद आपको याद आ जाए। डज एनी अमाउंट पेड टू लॉयर बाय पर्सन हु वाज नॉट हिज क्लाइंट बट हैज बीन बेनिफिटेड बाय लॉयर्स प्रोफेशनल सर्विस टू अनदर वुड बी असेसेबल एज लॉयर्स इनकम। एक वकील साहब है, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल सर्विस मिस्टर ए को प्रोवाइड की, पर ए इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ बी और ए बड़ी दिक्कत में था, बी को भी बड़ी चिंता थी उसकी कि भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ। पेमेंट ए नहीं कर सकता था, बी ने पेमेंट कर दी वकील साहब को। बी वॉज अंडर नो ऑब्लिगेशन, वकील साहब उसे कह नहीं सकते थे कि आप पे करो, स्टिल इट विल बी टेकन एज इनकम अराइजिंग इन कोर्स ऑफ बीइंग अ प्रोफेशन, की पेमेंट की आपके एक्साइज ऑफ प्रोफेशन के कारण ही गई है। देन आप एप्लीकेशन ऑफ गेन इज इमटीरियल, कहाँ इस पैसे को लगाते हैं जो गेन आप कर रहे हैं वो इमटीरियल है, ये पॉइंट देखेंगे पेपर के एंगल से। लीगेलिटी ऑफ इनकम, सर इनकम चाहे लीगल हो या इलीगल हो, इनकम चाहे लीगल हो या इलीगल हो टैक्सेबल होती है। जैसे पेपर में आ जाए इनकम फ्रॉम स्मगलिंग बिजनेस तो आप टैक्सेबल रखेंगे उसे, ध्यान रखना मेरी बात। पर इलीगल एक्सपेंसेस की, पर इलीगल एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं दी जाती। लीगलिटी ऑफ बिजनेस प्रोफेशन डज नॉट एग्जम्प्ट इट फ्रॉम टैक्स, कहता जी आप इलीगल कोई काम कर रहे हैं और उससे कमा रहे हैं तो भैया टैक्स लगेगा। रेवेन्यू इज नॉट कंसर्न्ड विद द टेंट ऑफ इलीगलिटी इन द इनकम, जो ये इलीगलिटी का दाग लगा हुआ है इनकम पे, रेवेन्यू को इसकी कोई परवाह नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट इलीगल इनकम को भी उन्हीं नज़रों से देखता है जैसे लीगल को देखता है। तो अगर आपके स्मगलिंग की इनकम आ जाए, डकैती की इनकम आ जाए, तो भाई टैक्स कर देना पेपर में, पर इलीगल एक्सपेंसिव की डिडक्शन ना देना, ये याद रखना। तो कई बार अगर आप अच्छा पीजीबीपी कर चुके हैं पहले ही, क्योंकि ये वीडियोज में बार बार कहता हूँ कि आपने नॉर्मली जो पहले किया हो तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। आपको यहाँ जीपी लिखा है मान लो ऊपर, तो यहाँ इनकम फ्रॉम स्मगलिंग लिखा हुआ आ गया, इनकम फ्रॉम स्मगलिंग बिजनेस, स्मगलिंग करता बंदा, भैया टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। पर अगर इधर कोई ब्राइब पेड लिख के आ गया तो वो डिसअलाउ कर देना, क्योंकि इलीगल एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं है, इलीगल इनकम टैक्सेबल है। ये बात हमने समझनी है भाई, पक्का। कहते हैं इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस, द प्रॉफिट ऑफ ईच डिस्टिंक्ट बिजनेस मस्ट बी कंप्यूटर सेपरेटली, बिल्कुल बड़ा कॉमन ही आपके क्लाइंटों में भी होना। जैसे लाला जी ने मोबाइल की भी धंधा कर रखा है, लाला जी ने राशन की दुकान भी खोल रखी है, लाला जी ने सलून भी खोल दिया चक्के, तीनों की अलग अलग इनकम निकाल लो, बाद में सेट ऑफ सुट ऑफ कर सकते हैं, ये बातें ही समझाएगा। कॉम्पुटेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग लॉसेज एक्सपेंसिस इनकर्ड फॉर अर्निंग द इनकम, यहाँ तक की बात होगी। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि एमसीक्यू में भी काम आ सकता है। सर देखो सेक्शन 145(1) है जो आपको चॉइस देता है दो जगह पे। जिस तरह सैलरी में कोई भी अपना बेसिस ऑफ चार्ज नहीं बना सकता, क्योंकि सेक्शन 15 फिक्स कर देता है ड्यू और सीट विच आर रिजर्वियर। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 कह देता है कि भाई हम आपको टैक्स करेंगे एनुअल वैल्यू को। सेक्शन 45 कैपिटल गेन में कह देता है कि भैया हम आपको ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होएगी तो टैक्स कर देंगे, ठीक है। अब बचते हैं दो हेड्स, कौन से सर, पीजीबीपी और कौन भाई, अदर सोर्स। इनके लिए देखें क्या है, सेक्शन 145(1) इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद ईदर कैश और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय एसएससी।
है जो ये दो हेड हैं, कौन सा, पीजीबीपी और आईओएस, इसमें हमारा एसएससी जैसा मेथड ऑफ काउंटिंग चाहता है वो लगा सकता है। रेगुलरली लगाना, बार बार चेंज नहीं करना। या आप कैश बेसिस पे करेंगे इनकम कंप्यूट, या किस पे करेंगे, मर्केंटाइल बेसिस पे, तो चॉइस है यहाँ पे। However, as per section 145B, certain income would be taxable in following manner. बड़ी अच्छी बात है 145B की भी। ये सर बातें उन बच्चों को समझ आएंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है। 145B क्या कह रहा है, ये आपकी बात छेड़ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आने वाले इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन से। क्या कहता है, इंटरेस्ट रिसीव बाय एसएससी ऑन कॉम्पोजिशन और ऑन एनहांस कॉम्पोजिशन shall be deemed to be the income of the year in which it is received. ये section 45(5) में जब compulsory acquisition होते हैं, याद है, वहाँ compensation कई बार late pay होती है, या compensation बढ़ाने की मांग की जाती है, तो late payment पे या enhanced compensation पे हमें ब्याज आता है, interest आता है, उस interest पे आपको method of accounting की choice नहीं दी जाएगी, वो interest सिर्फ तब tax होगा अगर आपको मिला। वैसे सर जनता भी खुद यही चाहेगी। मान लो किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई और उसकी 50 लाख की कॉम्पनसेशन फिक्स हुई, सरकार ने 50 लाख रुपए देने में 3 साल लगा दिए, लेट हो गए, तो उस पर सरकार ने उसे 12 लाख रुपए का ब्याज भी दिया लेट पेमेंट करने के कारण। अब क्या आप अपने आप ही एक रूअल बेसिस पे कि सरकार लेट हो गई है और इंटरेस्ट निकाल के टैक्स देने के लिए चल पड़ेंगे? नहीं भाई नहीं। फिर एक और केस लो, 50 लाख से आप खुश नहीं है, काले कोट वाले बाबू आ गए, कहने हमने काला कोट ऐसे ही थोड़ा ना पहना, लाओ जरा इधर लाओ, तो कोर्ट में कर दिया केस कि मिलने चाहिए 70 लाख। अब ये 20 लाख रुपए और मिलने हैं, तकरीबन इसको डिसाइड करने में 20 साल लग सकते हैं। फिर 20 साल आप इंटरेस्ट एक्रू कर करके टैक्स दे जाएंगे पहले ही, पता नहीं अगले बढ़ाते भी हैं कि नहीं। तो भैया प्रैक्टिकली समझो, इनमें प्रैक्टिकली इन चीज़ों पर एक्रूअल बेसिस लग ही नहीं सकता। ये लगाना भी चाहोगे तो भी नहीं, क्योंकि 145B क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रिसीव बाय एसएससी ऑन कॉम्पोजिशन और एनहांस कॉम्पोजिशन शेल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर विन इन विच इट इज रिसीव्ड। एक्रूअल पे कोई ऑप्शन नहीं है, जब मिलेगा तब। सच इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 145(1) ने अभी आपको चॉइस दी, कौन से हेडिंग्स के लिए चॉइस दी, पीजीबीपी और आईओएस के लिए। क्या बोला उसने कि वहां कैश बेसिस कर लो या मर्केंटाइल बेसिस कर लो। 145(b) ने एक्सेप्शन दे दी कि भाई ये वाली इनकम जड़ी पहले वाली है, ये आपको टैक्स होगी सिर्फ कैश बेसिस, जब मिलेगी तब। अब कहता है इनकम रेफर्ड अंडर 224 क्लॉज 18, 224 इनकम की इंक्लूसिव डेफिनेशन देने वाला सेक्शन है जो टाइप्स बताता है कि ये चीज इनकम होती है, ये चीज इनकम होती है, उसकी क्लॉज 18 क्या बोला, असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर, कंसेशन, रिम्बर्समेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी बॉडी और एजेंसी इन कैश और काइंड टू दिस एससी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, इन विच इट इज रिसीव्ड इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स और एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह आपका सब्सिडी है, ग्रांट है, कैश इंसेंटिव है, या ड्यूटी ड्रॉबैक है, या और कोई कंसेशन या वेवर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एनी अथॉरिटी या बॉडी या एजेंसी आपको देती है कैश या काइंड में, वो भी इनकम आपकी तभी है जब आप उसे रिसीव करेंगे। अगर पहले उस पर आपने टैक्स नहीं दे रखा है एक्रूअल बेसिस पे, तो नॉर्मली कई बार ये मैटर्स भी ऐसे होते हैं कि आप फाइल करते हैं कि हमें ये सब्सिडी या ग्रांट मिलनी चाहिए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड होता है, तो इस पे भी हम कैश बेसिस पे ही ज़्यादातर टैक्स देंगे। अब उसके बाद जी ये ICDS की बात कर रखी है, ये हमारे लिए मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है, रहन देते हैं इसको बिल्कुल भी। अब सेक्शन 28 आता है सर, चार्जिंग सेक्शन है ये। वेरियस आइटम ऑफ इनकम चार्जेबल टू इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आर एज अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। कहता है इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन एयर मीन्स इंडिविजुअल HO कंपनी फर्म LLP बाय द वे ऑफ प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। पहले तो यही बोला सेक्शन 28 नॉर्मल, फिर यहाँ लिखी हुई है कॉम्पनसेशन है,
जो आपको सेक्शन 28 में बिजनेस इनकम माननी पड़नी है। तो एक बार गो थ्रू हो जाए, एनी कॉम्पोजिशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग होल और सब्सटैंशली होल ऑफ द अफेयर ऑफ इंडियन कंपनी और अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और ऑफिस और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स और कंडीशन रिलेटिंग देयर टू। कॉम्पोजिशन मिली है एक ऐसे बंदे को जो एक इंडियन कंपनी या कोई और कंपनी के इंडिया में अफेयर्स मैनेज कर रहा था। अब उसको या तो हटा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, या टर्म्स को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, जिस तरह पहले पैन इंडिया था, फिर उसको अब सिर्फ सेंट्रल इंडिया का कहा गया कि आप देखें, उसके लिए दी गई कॉम्पोजिशन, वो भाई आपने टैक्स करनी है पीजीबीपी में। हाँ, ये याद रखना कि अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैनेज कर रहा है, अगर वो सैलरीड वाला बंदा फिर तो एम्प्लॉई हो गया ना। फिर उसके बाद लिखा है एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड होल्डिंग एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन। एजेंसी होल्डर है, प्रिंसिपल एजेंसी वाला रिलेशन है। अब इसको भी क्या किया गया एजेंट को, एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेट कर दी गई एजेंसी या मॉडिफाई कर दी गई है। तो अगर आपको पेपर में ऐसे एक पी एंड एल आता है जिसके अंदर लिखा है कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, तो नीचे कहानी बनाई हुई है कि बंदे के पास एक्चुअल की एजेंसी थी, वो कैंसिल हो गई है तो उस पर कॉम्पनसेशन मिली है, तो आपके दिमाग में आया था ये तो अदर सोर्स में जाएगी, ये तो वहाँ जाएगी। नहीं भाई नहीं, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं हुआ, ये सेक्शन 28 में बिजनेस इनकम है। फिर लिखा है एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विद वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अंडर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। अब ये गवर्नमेंट की कोई कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां आप मैनेज कर रहे थे और उसके रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद लिखा है बाय एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स और कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। भाई बड़ा स्पेशल, ये लेट एंट्री है, पहले नहीं होता होता था, अब है कुछ सालों से। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कोई टर्मिनेट रिलेटेड टू बिजनेस, इट मे बी द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बदले में आपकी आपको कॉम्पनसेशन, वो कॉम्पनसेशन भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पे करने वाले के लिए बिजनेस एक्सपेंस भी माना जाएगा सेक्शन 37 में, ध्यान रखना। अब ये ट्रेड ट्रूड एसोसिएशन वाला अपने आप पढ़ लेना, इतना मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता इंपॉर्टेंट। इंसेंटिव रिसीव्ड और रिसीवल बाय पर्सन कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस, यहाँ थोड़े से पॉइंट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर इम्पोर्ट एक ऑर्डर, इम्पोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955 अंडर इम्पोर्ट कंट्रोल एक्ट। बेटा इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट होती है इम्पोर्ट करने का हक, मतलब जैसे आपके पास इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट है 50 लाख की, इसका मतलब आप 50 लाख डॉलर रुपया जो मर्जी मानो उसका लीगली इम्पोर्ट कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ कोटा आपके पास। आपको इम्पोर्ट नहीं करना, दूसरे किसी को इम्पोर्ट करना है, उसके पास ये कोटा है नहीं, आप उसे बेच दो, बेच के जो पैसा आएगा वो आपके लिए बिजनेस इनकम है, ध्यान रखना। कैश असिस्टेंस मिली है अंडर एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैश असिस्टेंट गवर्नमेंट कई बार एक्सपोर्टर को इसलिए दे देती है कि भाई वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस थोड़ा कम चार्ज करें, बाकी पैसे सरकार से ले लें, इसको भी आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी रीपेड और रीपेबल एज ए ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक को भी आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, इसको अगर आप बेचते हैं तो अगेन नेचुरल है आपको इस पे भी बिजनेस इनकम बनेगी। फिर उसके बाद लिखा है वैल्यू ऑफ एनी प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क्स। पर्क्स से सर अभी जान छूटी थी, दोबारा आ गए सर, वो पर्क थे इम्प्लॉयर इम्प्लॉय रिलेशनशिप से अराइज होने वाले, ये पर्क्स हैं इन कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन अराइज होने वाले। होते हैं, यस सर होते हैं, जैसे आप किसी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी कंपनी का आप बहुत बड़े होलसेलर हैं तो वो आपको टारगेट्स देती हैं कि सर ये करो आप, तो आपको थाईलैंड ट्रिप लगवाते हैं, उठाना कुछ सोचना, समझे कि नहीं। तो थाईलैंड ट्रिप पे चले जाते हैं लोग, कहते हैं कि यार देख इसके फलाने कंपनी के ना इस सीजन में ये स्कीम आई थी, इनके 100 AC बिकवाओ तो थाईलैंड ट्रिप मिलेगा, फलाना ये होगा, एप्पल का फ़ोन मिलेगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसको कहीं दिखाते ही नहीं है, अदरवाइज वो पर्क या बेनिफिट राइजिंग इन कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है, टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद पार्टनर साहब आ गए, पार्टनर साहब का ध्यान रखना थोड़ा सा। पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को सैलरी भी पे करे तो उसे सैलरी के हेड में टैक्स नहीं किया जा सकता। कारण क्या होता है कि फर्म और पार्टनर में इम्प्लॉयर इम्प्लॉई वाला कोई भी रिश्ता नहीं होता, वो इन पे इम्प्लॉयर इम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता।
तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, बोनस या कमीशन पे करती है, वो सब यही टैक्स होने वाला है। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ फर्म विल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। पर एक पंगा बेटा, ये पूरा का पूरा फ्लैट नहीं टैक्स होता। आगे एक सेक्शन है 40 स्मॉल बी, हम पहुंचेंगे जरूर कभी ना कभी, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देता है। बोले वो कह देता कि जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो पहले तो वो डीड में लिखा होना चाहिए, फिर आप ऐसे किसी भी रेट पे नहीं पे कर सकते, 12% से ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो अब ये पता क्या लिखेगा पार्टनर के पास, मैं थोड़ा सा यहाँ बना लूँ सिचुएशन, अगर किसी फर्म ने अपने पार्टनर को ये सब पे किया, ठीक है, अब पार्टनर की आप पीजीपीपी में इनकम बनाने के लिए तैयार बैठ गए, सर थोड़ा रुक जाना, फर्म ने सैलरी दी, कमीशन दी, ठीक है बात, उन्होंने P&L एप्रो में डाल लिया, वहाँ IOC भी लिख दिया, भैया इनकम टैक्स में शायद इनकी डिडक्शन मिले, शायद ना मिले। रूल बड़ा सिंपल है, अगर फर्म ने 10 लाख रुपये टोटल दिए सारे मिला के और डिडक्शन मिली 7 लाख, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में पार्टनरशिप फर्म को खर्चा 10 लाख नहीं अलाउ किया गया, कितना किया गया 7, तो सर इनकम भी 7 लाख ही मानी जाएगी पार्टनर की। इतनी सी बात, सच में इतनी सी हुआ, देख लें यहाँ लिखी हुई है, हाउएवर वेयर एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन और रेमुनेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज नॉट बीन अलाउड टू बी डिडक्टेड इन द कंपटीशन ऑफ द इनकम फर्म, इनकम टू बी टैक्स शेल बी एडजस्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट डिसअलाउड। जितना अमाउंट डिसअलाउड होगा उतने इनकम एडजस्ट कर दें जो टैक्स करने लगे थे। एडजस्ट करने मतलब कि उसे टैक्स ना करें। तो भाई यहाँ एक एग्जांपल भी इसके लिए दिया गया कि 20% ब्याज दे रहे हैं, 12% अलाउड है, 8% डिसअलाउ हो जाएगा, एक्सेस इंटरेस्ट को एक तरह से फर्म के पास ही टैक्स लग गया, दोबारा यहाँ टैक्स ना लगवाएं। अब आ रही है सर आपकी नॉन कम्पीट फीस, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। इसको कहते हैं नॉन कम्पीट फीस, काम करने के नहीं बेटा, काम ना करने के पैसे हैं। ऐसे पैसे आप लोगों को आपका कॉम्पिटिटर ऑफर करता है, वो कहता है भाई तू ये काम बंद कर दे, पैसे ले ले। मैं अपनी फेस टू फेस क्लासेस में या ऑनलाइन जो रेगुलर क्लासेस है बड़े एग्जांपल भी देता हूँ, तो वो अब इतने लंबे एग्जांपल यहाँ चलाने शायद ठीक नहीं होंगे। ऐसा हो जाता है कई बार आपका कॉम्पिटिटर आपसे बहुत दुखी हो जाता, बहुत ज़्यादा, तो आपको कई बार वो पैसे ऑफर कर देता कि भाई तू ये काम बंद कर दे, हम चलाते हैं इसको। तो एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, बी पार्ट भी पढ़ लो, एक्सेप्शन बाद में देखते हैं, और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस अदर बिजनेस टेक्निक ये वो। तो आपको पैसे मिले हैं कि भाई काम ना करें, पर्टिकुलर काम ना करें, शायद लाइसेंस ना दें, फ्रेंचाइजी ना दें, इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, तो पहले ऐसी चीज़ें टैक्सेबल नहीं होती थी, देन अमेंडमेंट्स वर मेड, फिर इसे बिजनेस इनकम माना गया। तो अगर आपके P&L में नॉन कम्पीट फीस यहाँ लिख के आ गया, नॉन कम्पीट फीस, तो बिल्कुल शांत रहें, टैक्स कर दें, सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग ये बिजनेस इनकम है। अब फॉलिंग सम रिसीव्ड और रिसीवेबल वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP। कह रहा पर बेटा ये वाले हम टैक्स नहीं करेंगे PGBP। पहला, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट। अच्छा, एक तो था कि भाई शेयर नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, टिक के बैठना है, तो नॉन कम्पीट फीस है। पर अगर आपने राइट ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर हो गया, तो सर राइट इज ए कैपिटल एसेट। अब राइट कैपिटल एसेट है, उसको ट्रांसफर करोगे तो PGBP कैसे देखेगा भाई? PGBP कैसे देख पाएगा? ये कौन देखेगा? कैपिटल गेन। ये कौन देखेगा? कैपिटल गेन। कहता अगर आपने राइट ट्रांसफर कर दिया तो वो तो जाएगा कैपिटल गेन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं होगा, पर और हेड में होगा, मेथड ऑफ कंपटीशन बदल जाएगा, कैपिटल गेन की तरह इनकम निकाल ली जाएगी रादर देन प्रॉफिट गेन्स। और कब नहीं लगता ये? एनी सम रिसीव्ड एज एन कंपनसेशन फॉर मल्टीलेटरल फंड और मोनिटरियल प्रोटोकॉल
on the substance that deplete the ozone layer under United Nation Environment Program. Sir, इन्हें carbon credits कहते हैं. CA final new course FR में एक chapter भी add हुआ था इनके accounting का, carbon credits का. अब जिस तरह nature के साथ खिलवाड़ किया तो उसका हम कह रहे हैं आज कल हम भुगत रहे हैं उसको. तो ऐसी अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी. तो इस तरह के यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रोग्राम्स हैं जहां वो लोगों को एक तरह से कॉम्पनसेट करते हैं कि भाई आपने ये काम नहीं करना, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. तो उसकी वजह से अगर आपको पैसा मिला, पैसा मिलेगा, आप वो काम भी नहीं करोगे, टैक्स भी नहीं लगेगा, इन्वायरमेंट भी बचेगा, आप भी खुश, इन्वायरमेंट भी खुश. और अगर आपका कॉम्पिटिटर देखे जा रहा पैसे, भाई तूने नहीं पढ़ाना, तूने ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना, तो भैया फिर टैक्स लगेगा. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. सर, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत बार आती है हमारे पास. की मैन वो होता है जो बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी करवाई जाती है इंश्योरेंस. जब इंश्योरेंस करवाई जाती है, उसका जो प्रीमियम है वो बिजनेस का खर्चा. कल को अगर कुछ हो गया और कंपनी को मिला पैसा, तो कंपनी के लिए वो जो भी अमाउंट आएगा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो बिजनेस इनकम माना जाएगा. ये सर नया नया ऐड हुआ. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन एज कैपिटल एसेट. मतलब किसी चीज को पहले आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर रहे थे, स्टॉक इन ट्रेड की तरह. ठीक है, तो उसने किसमें टैक्स होना था? पीजीबीपी में. आज से आपने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए अब कैपिटल एसेट है. आपने इसे खरीदा था कुछ देर पहले, मतलब 3-4 महीने पहले, मान लो 50 लाख का ये आपकी कॉस्ट है इसकी. और जिस दिन आप ये 3 महीने बाद डिसीजन ले रहे हो, इतने टाइम में ही इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 55 लाख हो गई है. अब सरकार आपको ये कहेगी कि ये जो 55 लाख है ना, दैट इज योर बिजनेस इनकम. चाहे आपने बेचा नहीं है, जस्ट नेचर चेंज की है. अर्लियर दिस वॉज इन्वेंट्री, नाउ आपने इसे क्या बना दिया? कैपिटल एसेट. तो आपकी P&L में 50 लाख परचेज में आ रहा होगा, 55 लाख आपको सेल में दिखाना पड़ेगा, चाहे नहीं भी बेचा. बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस पीरियड में जो एप्रिसिएशन आई है वो इन्वेंट्री की तरह ही आई है. अब अगर यहाँ से कैपिटल एसेट बनने के बाद ये 62 लाख का बिकता फाइनली, उस पर सेक्शन 45 लगेगा कैपिटल गेन वाला. पढ़ो जरा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन और ट्रीटमेंट एज ए कैपिटल एसेट डिटर्मिंड इन प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब FMV निकालने का एक प्रिस्क्राइब मैनर बताया जाएगा, वुड बी चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम. इस MFP को आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा. सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट रेफर्ड अंडर 35AD. स्पेसिफाइड बिजनेस हैं बेटा, जहां बहुत बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की आपको डिडक्शन दी जाती है. कल को अगर वो एसेट्स आप सेल कर दें, डिमोलिश कर दें, जिन पे 35AD आपने ले रखा हो, तो वो आपकी बिजनेस इनकम होता. पे बात थोड़ी आगे होगी. देन स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में यहाँ लिखा हुआ. स्पेकुलेशन बिजनेस का जो सीन आपको पता है, तो ये होता था कि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर लॉस हो जाए तो उसका नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता होता, समझ रहे कि नहीं? तो ये यहाँ पहले लिखा है इन्होंने, फिर स्पेकुलेशन का सारा समझाया कि स्पेकुलेशन क्या होता है, कि क्या है जी ट्रांजेक्शन जो बिना डिलीवरी लिए ही सेटल हो जाती है. जिसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तो इंडिया में बिल्कुल ही लीगल वाला एग्जाम्पल, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है शेयर्स में, बहुत ही खतरनाक चीज, प्योरली सट्टेबाजी है. आप मार्केट खुलते हैं, पोजीशन बना लेते हैं मार्जिन लेके, फिर मार्केट बंद होने से पहले पहले आपको उसका फायदा नुकसान भुगतना पड़ता. दैट इज स्पेकुलेशन बेसिकली. अब किन ट्रांजेक्शंस को स्पेकुलेशन नहीं माना जाता, MCQ के लिए भी देख लें. हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं माना जाता. हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर स्टॉक एंड शेयर्स को भी नहीं माना जाता. हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर रॉ मटेरियल को भी नहीं माना जाता. हेजिंग मीन्स टू सेफगार्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो आप करेंसी मार्केट में, एग्रो कॉमोडिटीज में करते हैं एंटर. डेरिवेटिव्स को भी नहीं माना जाता स्पेकुलेशन, ये ध्यान रखना है इसमें से. तो फिर सेक्शन 28 हुआ ख़त्म, 29 आ गया. बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि सेक्शन 29 किस लिए, क्योंकि 28 पता होता है कि स्कोप ऑफ इनकम बताता है, 30 से लेकर 37 तक खर्चे जाने वाले हैं, 29 बीच में रह जाता है बेचारा. अब 29 क्या कहता है वो सुन लो. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, द प्रॉफिट गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑपरेशन आर टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 32-43D. सेक्शन 29 इतना मासूम है, वो
सिर्फ ये बताता है कि आपने पीजीबीपी की इनकम किन सेक्शंस के अकॉर्डिंग निकालनी है। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड इन एडिशन टू द स्पेसिफिक अलाउंसेस एंड डिडक्शन स्टेटेड इन 30-36 एक्ट फर्दर परमिट अलाउंस ऑफ आइटम अंडर रेजिडुअल सेक्शन 30-36 तक सेक्शन बोल बोल के बताएंगे कि किस खर्चे की डिडक्शन मिलेगी, पर वो सबके लिए नहीं बोल पाएंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन बिल, इवन सैलरी तक के लिए नहीं बोलेंगे, तो वो सारी डिडक्शन मिलेंगे आपको रेजिडुअल सेक्शन में। सेक्शन होगा 37। 37 सेक्शन ये कहेगा कि जो खर्चे 30-36 में नहीं आए पर हुए बिजनेस के लिए, उसकी डिडक्शन मैं दे देता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भैया आपको ये सेक्शन ये बता भी रहा है, विच एक्सटेंड द अलाउंस ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड बाय 30-36 वेयर दीज आर अलाउबल अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने थोड़ा आपके सामने ओवरव्यू रखा। अब जी 30-37 को शुरू किया जाए। आजे सर, पहला है रेंट रेट एंड टैक्सेस इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग सेक्शन 30। सर बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जगह की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले जगह होनी चाहिए, तो आपका दुकान ऑफिस जो भी आपने खोलना वो खुलेगा। इस तरह याद रखने का तरीका है, इसलिए पहला सेक्शन जगह की बात करता है कि जो आपकी जगह उधर रेंट रेट रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग मैं अलाउ कर देता हूँ। अब वो छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं कि अगर आपने कुछ 30% एरिया बिजनेस के लिए यूज़ किया, 70% में अपना घर बना लिया, तो 30% डिडक्शन, 30% रेंट को ही बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, बाकी फिर पर्सनल एक्सपेंस हो गया। ठीक है बात। अगर आप सब लेटिंग कर दोगे तो फिर सब लेटिंग से होने वाला इनकम आपका अदर सोर्स में जाएगा और उतने प्रपोर्शनेट खर्चे भी वहीं अलाउ होंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ प्रमाइसिस बाय एसएससी बीइंग द ओनर, अगर आप ओनर के तौर पे अपनी ही प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहे हैं तो याद करें हाउस प्रॉपर्टी, एक तो दी एनुअल वैल्यू पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। याद है, चाहे 10 शोरूम हो, 10 के 10 में लाला जी ने अपनी ही दुकानें खोल रखी हैं, किसी पे भी टैक्स नहीं लगता हाउस प्रॉपर्टी में। पर लाला जी ध्यान रखें, नोशनल रेंट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। नोशनल रेंट की डिडक्शन नहीं दी जाएगी, मतलब कि अगर आपने अपने शोरूम में कर लिया एक काम धंधा, फिर आपने कहा यार इससे अच्छा तो इसे किराए पे दे देता, साल का 24 लाख रुपए किराया आ जाता, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इसकी। फिर उसके बाद एक और कहानी, वेयर अ फर्म रन्स इट्स बिजनेस इन ए प्रमाइसिस ओन्ड बाय वन ऑफ इट्स पार्टनर। अब पार्टनरशिप फर्म है, अपना बिजनेस चला रही है एक ऐसी जगह में जो एक उसका पार्टनर ही ओन करता। रेंट पेबल टू पार्टनर विल बी अलाउबल एज डिडक्शन टू द एक्सटेंट जितना रीजनेबल हो, एक्सेसिव ना हो। मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ऑफ द फर्म में लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला रिलेशन हो सकता है, पहली बात तो ये। अब ये रीजनेबली अलाउ होगा, एक्सेसिव अलाउ नहीं होगा, ये क्यों लिखा? सर देखो, जो फर्म होती है ना और जो उसका होता है पार्टनर हिस्सेदार, इन दोनों को आपस में रिलेटिव माना जाता है, इन दोनों को रिलेटिव माना जाता है। और रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करेंगे तो एक सेक्शन है 40A2, वो डिसअलाउ कर देता है, इसलिए लिख दिया। रिपेयर ऑफ प्रमाइस की डिडक्शन मिलेगी मिलेगी, चाहे आप ओनर हैं चाहे टेनेंट हैं, जिसने अब रिपेयर का खर्चा उठाने का जिम्मा उठाया। बट लैंडलॉर्ड कहता था ना कि भाई जितनी देर आपके पास है रिपेयर भी आप नहीं करानी है, रिपेयर की डिडक्शन मिलेंगे। तो भाई ये आपने ध्यान रखना है, बाकी नीचे ये देख लें, कॉस्ट ऑफ द रिपेयर एंड द करंट रिपेयर, कॉस्ट ऑफ द रिपेयर एंड द करंट रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर नॉट अलाउड टू बी एट डिडक्शन। सर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि रिपेयर जो रेवेन्यू वाली है उसकी डिडक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पर जो आपकी कैपिटल नेचर की रिपेयर है उसकी डिडक्शन ना दें, बस इतना ध्यान रखेंगे तो आपका पॉइंट निकल जाएगा। इसके अलावा इसने कहा है कि भाई इसमें जो आपके लैंड रेवेन्यूज हैं, लोकल टैक्सेज हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेज हैं, इंश्योरेंस है प्रमाइसिस यूज फॉर द बिजनेस की, उसकी भी डिडक्शन मिलेगी। सेसेस फॉरेन टैक्सेस लेविड बाय फॉरेन गवर्नमेंट आर ऑल्सो अलाउड। जब भी म्यूनिसिपल टैक्सेस और ऐसी बातें हो रही हैं तो आपको एक सेक्शन आगे जो आना है याद करा दूं, 43B भी साथ में ध्यान रखना होगा कि अगर आपका शोरूम है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट उधर म्यूनिसिपल टैक्स जाते होंगे, उसकी डिडक्शन आपको मिलनी चाहिए। पर 43B क्या कहता है? वो कहता था कि डिडक्शन तभी होगी अगर म्यूनिसिपल टैक्स आपने विद इन द प्रीवियस ईयर पे किया, या रिटर्न भरने तक, तो डिडक्शन दूंगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं दूंगा। अगला सेक्शन आता है जगह के बाद, सेक्शन 31 सामान की बात होगी, जगह में सामान भी रखना ना। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, द वर्ड रेंट इज मिसिंग हेयर, प्लीज ध्यान से, रेंट नहीं है। तो मतलब सेक्शन 31 में अगर आप किराए का फर्नीचर ले आओ उसकी डिडक्शन नहीं मिलती,
सेक्शन 31 में आपको रेंट की डिडक्शन नहीं मिलती है मशीन की। मशीनें बहुत किराए पे आती हैं, जेनसेट भी आते हैं, लैपटॉप भी आते हैं, प्रोजेक्टर्स भी आते हैं, बहुत कुछ आता है, तो भाई डिडक्शन तो मिलनी चाहिए। मिलेगी सर, 37 में जाके लेंगे ना। अभी इसको देखो, अब कहता है सेक्शन 31 अलाउ डिडक्शन इंस्पेक्टर एक्सपेंसेस ऑन करंट रिपेयर इंश्योरेंस प्लांट मशीनरी यूसेज ऑफ एसेट। इन अदर वर्ड टू क्लेम द डिडक्शन, एसेट आपका बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हुआ होना चाहिए। यूज का यहाँ मतलब वाइड सेंस में लेना है, इसमें पैसिव और एक्टिव यूज दोनों आते हैं, समझ रहे कि नहीं। कई बार एसेट एक्टिवली यूज नहीं हो रहा होता, जैसे हम इस पे एग्जांपल लेते होते थे फायर एक्सटिंग्विशर का, फायर एक्सटिंग्विशर लगवाया गया तो दी रिपेयर मेंटेनेंस की डिडक्शन बिल्कुल होगी होगी, चाहे अब आग लगे या ना लगे, यूज हो या ना हो। भाई हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूज हो, उसको मेंटेन रखना को लगाना वही होता एक तरह से यूज ही है, एक्टिव यूज नहीं चाहिए हम, उसमें पैसिव यूज भी चलेगा। ऐसी कई बार स्टैंड बाय रख ले जाते हैं कुछ मशीनें कि अगर मेन मशीन खराब होगी तो ये यूज करेंगे, तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट की भी रिपेयर मेंटेनेंस रिडक्शन सब मिल जाएगी। रिपेयर में रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, वो तो कैपिटल नेचर वाली बातें हो जाएंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन भी यहाँ दी जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखना आपने, फिर कैपिटल नेचर की रिपेयर नहीं आएगी। फिर आता है जी डेप्रिसिएशन सेक्शन 32। भैया ये तो फिर एक लंबी कहानी अब यहाँ शुरू होती दिखती है, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32। तो सबसे पहले चार जो डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है ये पढ़ते हैं। सेक्शन 32 अलाउ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिमिनिशन और एग्जॉस्टेशन इन द वैल्यू ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट। एक्सप्लेनेशन 5 जो इस सेक्शन की है, प्रोवाइड्स डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी मेड कंपल्सरी वेदर और नॉट द एसेसी हैज क्लेम्ड। कहता है डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आपको दी ही जाएगी, चाहे आप क्लेम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। ये जो बहुत शार्प माइंड होते हैं ना, उनको रोकने के लिए, जैसे एक बंदा है भाई, उसके पास 10 लाख का प्रॉफिट है मान लो, या थोड़ा कम करे यार, 10 लाख का क्या करना, उसका प्रॉफिट है मान लो 2.5 लाख रुपए का बिफोर डेप्रिसिएशन। अब 70,000 रुपए की उसकी डेप्रिसिएशन है, उसकी आ जाती है उसके दिमाग में, क्या 2.5 लाख पे कौन सा टैक्स लगता, 70 माइनस करके 180 हो जाएंगे, उस पर कौन सा टैक्स लगेगा। डेप्रिसिएशन अभी क्लेम ही नहीं करता, अगले साल ले लूंगा, क्यों भाई क्या चला गया तू, ये लिखा है ना अगर तेरे पास प्रॉफिट है तो डेप्रिसिएशन यहाँ मिलनी है, चाहे क्लेम कर चाहे ना कर। हाँ अगर तेरे प्रॉफिट इनसफिशिएंट है या तेरे पास लॉस हो गया पहले ही, देन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन आगे कैरी हो सकती है। ठीक है जी। अब कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, द अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज रेगुलेटेड बाय द रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस विच आर क्यूमुलेटिव इन देयर एप्लीकेशन। मतलब ये इकट्ठे लगेंगे सारे कंडीशन। एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड मस्ट बिलोंग टू ईदर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कहता जी एसेट इन कैटेगरीज को बिलोंग करना चाहिए, या फिर बिल्डिंग मशीन प्लांट फर्नीचर बींग टेंजिबल एसेट, और ये सारे आपके पड़े हैं जी ढेर सारे इनटेंजिबल एसेट। ठीक है। डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट कैन नॉट बी क्लेम्ड। नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग इज इरेक्टेड, बिकॉज टर्म बिल्डिंग रेफर्स ओनली टू द सुपर स्ट्रक्चर, मतलब जो जमीन के ऊपर बना है, बट नॉट टू द लैंड ऑन विच इट हैज बीन इरेक्टेड। द टर्म प्लांट हैज बीन डिफाइंड इन 43(3). प्लांट की डेफिनेशन वहाँ है। इंक्लूड शिप, बुक्स, बुक्स भी प्लांट है इनकम टैक्स में, व्हीकल्स, साइंटिफिक ऑपरेटर्स, सर्जिकल इक्विपमेंट, बहुत कुछ और, बट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, डज नॉट इंक्लूड लाइव स्टॉक और बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स। लाइव स्टॉक इसमें नहीं आएगा, अगर आप अपने बिजनेस में हाथी घोड़े यूज कर रहे हैं तो उस पर डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। द वर्ड प्लांट वुड नॉट इंक्लूड एनिमल, ह्यूमन बॉडी और स्टॉक एंड ट्रेड। द प्लांट इंक्लूड ऑल गुड्स, चैटल्स, फिक्स्ड, मूवेबल व्हिच अ बिजनेस मैन कीप फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब उसके बाद प्लांट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ प्लांट इंजन वगैरह। ठीक है जी। बिल्डिंग में कहता है जी इसमें रोड्स भी आ जाएंगी, ब्रिजेस भी आ जाएंगे, वेल्स, ट्यूबवेल्स भी आ जाएंगे जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के आसपास या अंदर हैं। अब कहता है जी द एसेट शुड बी यूज्ड, एक्चुअली एसेट शुड बी यूज्ड, एक्चुअली यूज्ड बाय सेसी फॉर द पर्पस ऑफ इनोवेशन। कहते डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए बहुत जरूरी है कि एसेट आपने यूज किया। जिस तरह कहता है एसेट मस्ट बी पुट टू यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस इज नॉट प्रपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो भाई उसने बोला कि एसेट आपको पुट टू यूज करना है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है
इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ यूज, मतलब कि आप पुट टू यूज कर दो भाई। अब ये नहीं है कि अगर आप दो दिन यूज करोगे तो दो दिन के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन देगा, तीन दिन यूज करोगे तो तीन दिन के हिसाब से डेप्रिसिएशन देगा। आप पुट टू यूज कर दो बस, मतलब कि अगर सिंगल डे भी यूज करेंगे तो पूरा चांस है कि आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन दे देगा। पर 180 दिन वाले रूल का क्या होगा? सर 180 दिन वाला रूल मैं आपको याद करा दूं, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर है, ये है हमारा प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर। अब आपको जो डेप्रिसिएशन मिलनी है, आपको जो डेप्रिसिएशन मिलनी है वो कब मिलनी है डेप्रिसिएशन? आपको पुट टू यूज करना, अगर आपने कोई नई चीज खरीदी, मतलब इस साल 19-20 में कुछ नया खरीदा और उस 19-20 में जो नया खरीदा उसको 180 दिन के लिए यूज ना किया, 180 दिन से कम यूज किया, तो उसकी जितनी डेप्रिसिएशन बनती होगी उससे हाफ मिलेगी। पर एक कंडीशन किस पे लगती है? जो चीज इस साल अक्वायर की गई है, जो पिछले साल से आपके पास है, उन्हें आप चाहे सिंगल डे के लिए यूज कर लो भैया, डेप्रिसिएशन पूरी मिलेगी। आओ पढ़ के देखो मेरे साथ। However, it has been provided where any asset is acquired by SSC during previous year and put to use for the business profession for less than 180 days, depreciation shall be allowed at 50% of the allowable depreciation according to the percentage prescribed in respect of the block. It is significant to note that this restriction apply only to the year of acquisition, not for the subsequent year. कहता ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन पे लगती है, सबसिक्वेंट ईयर्स पे नहीं लगती। मतलब जिस साल आप खरीद रहे हैं तब ऐसा सोचना है, आगे के लिए ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपने 19-20 में कुछ खरीदा और वो खरीदा आपने मान लो 15 नवंबर 2019 को, सर इसका अब यहाँ तक 31 मार्च 2020 तक 180 दिन के लिए यूसेज कर पाना मुश्किल है। तो इस पे अगर मान लीजिए प्रिस्क्राइब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लो 10% है, तो आपको डेप्रिसिएशन 5% पे मिलेगी। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये कहानी है इसकी। और अगर सुनते हैं, अब अगर एसेट आपका पिछले साल का खरीदा हुआ, मतलब 18-19 का आपका एसेट खरीदा हुआ, 18-19 का, वो आपने यहाँ सिंगल डे के लिए भी पुट टू यूज कर लिया, सिंगल डे के लिए भी पुट टू यूज कर लिया, तो भी बेटा आपको डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए मिल जानी है। इतना ध्यान में रखना। इफ द एसेट्स आर नॉट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस प्रोफेशन ऑफ एससी बट फॉर अदर पर्पस एज वेल, डेप्रिसिएशन अलाउबल वुड बी प्रोपोर्शनेट। जैसे गाड़ी होती है, कई बार क्वेश्चनों में हमने देखा वो कहते हैं जी गाड़ी की 30% यूसेज बिजनेस के लिए है, 70% पर्सनल है। तो भैया डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो, अलाउ सिर्फ 30% ही होगी, ये कहना चाहता हूँ। डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउबल टू ओनर इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट विच आर एक्चुअली वर्कड और यूटिलाइज्ड बाय अनदर पर्सन, दैट इज द लेसी और द लाइसेंसी। मतलब कि जैसे अब कई बार क्या होता है ना, बंदे मशीन किराए पे देने का बिजनेस बना लेते हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जेनसेट्स हैं, फर्नीचर आइटम्स हैं, तो रेंट पे मैं दे रहा हूँ, वो रेंट जो है वो मेरी बिजनेस इनकम है। अब डेप्रिसिएशन मेरे को मिलेगी भाई, इसको मैं रेंट पे दे रहा हूँ उसको नहीं मिलेगी डेप्रिसिएशन, ये कहना चाहता है। यहाँ अगेन ये कह रहा है कि इसमें पैसिव यूज भी इंक्लूडेड है। तो स्टैंड बाय की बात हुई थी, फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात हुई थी, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। एसेसी मस्ट ओन दी एसेट्स इन केस ऑफ बिल्डिंग, एसेसी मस्ट ओन दी सुपर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो आपका है। जमीन लीज पे भी हो सकती है, कोई बात नहीं, जमीन पे तो हमने डेप्रिसिएशन देनी भी नहीं है, हमें तो बिल्डिंग से मतलब है, ठीक है जी भाई, ध्यान रखना। अब ये कंपटीशन और डेप्रिसिएशन पावर जनरेशन वाला, ये बेटा अभी इतना कोई जरूरी नहीं पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग। तो हम इसके बारे में बात कर देंगे कि ये ऐसी बात करते हैं कि जो पावर जनरेशन वाले होते हैं इनको एक ऑप्शन होती है कि भाई तुम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी ले सकते हो, जो आपको याद हो। ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है बारे सुनते हैं। In case of any block of asset at such percentage at written down value rule 5 जो बताएगा, block of asset में कहता है जी हमारे पास group of asset
फॉलिंग विद इन अ सेम क्लास, जैसे टेंजिबल इंटेंजिबल नो हाउ, भैया फिर एडिशनल डेफिनेशन भी आ गई, इसकी ब्लॉक अभी आया नहीं। मैं बेटा ब्लॉक ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, पहले ब्लॉक आ जाए, ये आ गया ब्लॉक, ये टेंजिबल ब्लॉक है जिसमें बिल्डिंग्स हैं, टाइप वन है पहले तो, बिल्डिंग जो कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, होटल और बोर्डिंग हाउसेज नहीं है, 5% स्टाफ क्वार्टर जैसे बिजनेस में होते हैं वो यहाँ फिट हो जाएंगे। बिल्डिंग विच आर नॉट यूज मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़, और जो ब्लॉक वन और तीन में नहीं आती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग सिंपली लिख के आ जाए, शॉप लिख के आ जाए, फैक्ट्री बिल्डिंग लिख के आ जाए, गोडाउन लिख के आ जाए, आप 10% दे दो। बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर दिस डेट फॉर इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एंड प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड विच इज पुट टू यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इस पर 40%। ये कहीं MCQ में रेट लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नहीं, हमने कभी इसे देखा। प्योरली टेम्परेरी इरेक्शंस हैं, जैसे कि वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्परेरी बिल्डिंग एक तरह बनाई जाती हैं, 40% डेप्शन रेट वहाँ भी मिलेगा आपको। फर्नीचर पे डेप्शन रेट 10% है, फर्नीचर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी आती है, ध्यान ये रखें। मोटर कार्स वगैरह में अमेंडमेंट हुई है हमारी अगस्त के आसपास की, कुछ अमेंडमेंट है, मैं अमेंडमेंट वाला मॉड्यूल भी साथ रखा है, अभी आपको कराता हूँ, पहले यहाँ से पढ़ दें। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब गाड़ियाँ अगर आप किराए पे देते हैं तो बात लग गया, अदरवाइज गाड़ी पे 15% है। अब लिखा मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर 30%, मोल्ड यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स 30%, एरोप्लेन एरो इंजन 40%, एयर पोल्यूशन इक्विपमेंट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कंट्रोल भी भाई सिर्फ पोल्यूशन बोल गया था, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट, फिर सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। हाँ जी बेटा और आगे बढ़ते हैं, तो बात ये हो रही थी कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स पे 40 है, अब प्लांट मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कवरिंग ऑल ICs 30%, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट भाई वेंटिलेटर्स वगैरह जिस तरह होते हैं 40%, फिर पता नहीं केड़ी केड़ी प्लांट मशीनरी वाटर ट्रीटमेंट वाली 40, ऑयल वेल्स, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस 40%, विंड मिल का कहानी है तो ये थोड़ा पढ़ लेना बेटा, विंड मिल वाले में है थोड़े से, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40, बुक्स, एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन ओन्ड बाय SSC कैरिंग ओन अ प्रोफेशन, जैसे CA साहब वकील साहब कहता बुक्स आपकी चाहे एनुअल पब्लिकेशन है चाहे अदर देन एनुअल है 40% मिलेगा। बुक्स ओन्ड बाय SSC कैरिंग ओन अ बिजनेस, रनिंग लाइब्रेरीज, रनिंग लेंडिंग लाइब्रेरीज 40%, बुक्स पे ध्यान दो थोड़ा सा, वैसे भी बुक्स पे ध्यान देना होता है, एनुअल पब्लिकेशन है या अदर देन एनुअल है, एक ऐसे SSC के पास हैं किताबें जो प्रोफेशन चला रहा, CA वकील साहब डॉक्टर साहब बाकी आपके आर्किटेक्ट्स वगैरह, ठीक है ये दिमाग में आ जाते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी CMS, ठीक है तो इनको मिल जाएगा 40%, वेदर दे आर एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल। अब बुक्स लाइब्रेरी वाले के पास है तो भी 40, बराबर बुक्स, ऐसा पॉइंट वैसे बनेगा नहीं पेपर में, अगर बुक्स प्रोफेशन या लाइब्रेरी वाले के पास नहीं है, किसी और के पास है, बिजनेस में है, बिजनेस में भी आजकल बुक्स में बड़े अच्छे अच्छे नॉलेजेबल चीज़ें छपती हैं जो पढ़नी होती हैं, जो चाहिए होती हैं कई बार, फिर बुक्स प्लांट है, फिर आप प्लांट में ट्राई करो, 14 नंबर ब्लॉक में जाओ, जनरल रेट होगा कितने % 15, ठीक है भैया ये बात। अब ओशन गोइंग शिप 20, वेसल ऑर्डिनरली ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर्स नॉट कवर्ड इन ब्लॉक 3, स्पीड बोट्स हैं वहाँ सारे यार 20 हैं समुंदर में, इंटेंजिबल 25 है। अमेंडमेंट देख लो बेटा, अमेंडमेंट क्या हुई, क्योंकि मेरे को तो उम्मीद है कि आएगा यार, अमेंडमेंट का इफेक्ट आना चाहिए, ये देखें क्या हुआ, इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया बेटा, इंक्रीज रेट ऑफ डेप्शन आ गया बेटा, देखें जी किन पे, इंक्रीज रेट ऑफ डेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोटर व्हीकल अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग 23 अगस्त से लेके 31 मार्च 2020, 23 अगस्त 2019 से लेके, कुछ नहीं है बट बहुत ज़्यादा आसान है,
अभी गाड़ी पे जो मोटर कार थी आपकी, अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, अभी पढ़े थे, अभी पढ़े थे, पहला रेट ही ये पढ़े थे हम प्लांट मशीनरी 15 है। पर अगर आपने गाड़ी खरीदी 23 अगस्त से लेके इस डेट तक और पुट टू यूज कर दी इसी साल के अंदर अंदर ही, तो भैया डेप्शन का रेट होने वाला डबल, 15 के बजाय 30 ले जाओ। आपको याद होगा कि पिछले 2019 भी आपको पता है काफी बुरा ही जा रहा था इकोनॉमी के लिए। अब कोरोना वायरस ने तो नेचुरल धज्जियां उड़ा दी हैं, तब भी कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई है, गाड़ियां नहीं बिकती। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसा ये किया था कि चलो डेप्शन रेट रूट बढ़ाते हैं, शायद इसी चक्कर में लोग गाड़ियां खरीद लें। तो उस वजह से मेरा पूरा मानना है कि मई 20 की अटेम्प्ट में गाड़ी की डेप्शन का रेट वाला पॉइंट लगने वाला है। तो भैया ध्यान रखना इसका पक्का पक्का। अब मोटर बसेस, मोटर लॉरीज यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, सेम इसी पीरियड में खरीदना है, इससे पहले पुट टू यूज करना है। यहाँ 30% के बजाय, वैसे 30 होता है, कितने परसेंट हो जाएगा 45। तो इतना जी बेटा जी आपको डेप्शन रेट्स का ध्यान में रखना है। ठीक है जी, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं पीजीबीपी में। जैसे अभी हम रेट्स वगैरह की बात कर रहे थे कि डेप्शन के रेट हमने देख लिए, और इसमें हमने ये भी देख लिया कि भाई अमेंडमेंट हुई हुई है जब गाड़ी पे रेट बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे डेप्रिसिएशन में और क्या क्या देखना चाहिए, जैसे ये रूल 5.2 आता है इंक्रीज रेट, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। आगे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए ना एक डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके रखी हुई है, पर यहाँ भी मेरे को जहाँ तक लगता है इन्होंने एडिशनल डेप्शन भी साथ में घुमा दिए। आओ बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एडिशनल डेप्शन भी पहले थोड़ा पढ़ा देता हूँ, थोड़ा WDV के बारे में भी समझा देता हूँ, देन हम इसको कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये देखें, यहाँ से हमारा डेप्शन का काम शुरू होता है मॉड्यूल में। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूँ कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। सेक्शन 32 डेप्शन का ये है, बेसिक कंडीशन हमने पढ़ ली हैं, 180 डेज वगैरह ये सब आपने देख लिया थॉरली। अब आपके पास एडिशनल डेप्रिसिएशन की कहानी आती है। ले आओ सर ये भी सुन लो। एडिशनल डेप्शन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अभी आपने जनरल रेट पढ़ा प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन का, कितने परसेंट था सर बताओ जरा? सर 15% था। किसी जमाने में ये रेट 25% होता था, मतलब जनरल कैटेगरी की प्लांट एंड मशीनरी में 25% डेप्शन रेट मिल जाता था। फिर उस वक्त कांग्रेस के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, जिन्होंने इस रेट को किया 15 और एडिशनल डेप्शन का कॉन्सेप्ट ले आए। अब एडिशनल डेप्शन क्या है वो सुने। एडिशनल डेप्शन इज अलाउड ऑन एनी न्यू प्लांट और मशीनरी, न्यू अंडरलाइन कर लेना, अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर दिस डेट, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, बाय सेसी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी। मतलब एडिशनल डेप्शन मिलेगी उस एसएससी को हु इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नॉर्मली नहीं है। दूसरा इसमें एक कैटेगरी और ऐड हुई, थोड़ी देर बाद हुई थी ऐड, ये है जनरेशन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करने वाले। तो इन लोगों के लिए, रिटेल ट्रेड में आप हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो भूल जाएं डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाली, एडिशनल वाली, एडिशनल डेप्शन नहीं मिल पाएगी। अब एडिशनल डेप्शन किन चीज़ों पे नहीं मिलेगी, पहले तो रेट देख लिया आपने 20%, अब किन चीज़ों पे नहीं मिलेगी। एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय दी सेसी वॉज यूज विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन, कहता कोई भी ऐसी प्लांट और मशीनरी जो एसएससी के इंस्टॉल करने से पहले इंडिया में या आउटसाइड इंडिया किसी ने यूज कर रखी है, इसका मतलब इन चीज़ों पे नहीं मिलनी, सेकंड हैंड पे नहीं मिलनी, आप ये याद रखो। अब वो सेकंड हैंड इंडिया वाली भी चलेगी, मतलब इंडिया में किसी ने पहले यूज किया आपने ले लिया, सेकंड हैंड माना जाएगा, नहीं मिलेगा एडिशनल डिप्शन। फॉरेन में फिरंगियों ने यूज किया, उनसे आपने पुराना यहाँ मंगवा लिया, नहीं माना जाएगा कि एडिशनल डिप्शन मिलेगी। फॉरेन वाला समय ना इसलिए जरूरी है कि कई जगह पे अगर इनकम टैक्स एक्ट को हम पूरा पढ़ें, फॉरेन की सेकंड हैंड को न्यू मान लिया जाता है, पर इस सेक्शन में नहीं, तो सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा पहले तो। फिर एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रमाइस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और इन एनी गेस्ट हाउस,
कोई आईजी प्लांट और मशीनरी जो आपने ऑफिस में इंस्टॉल कर रखी है, घर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में इंस्टॉल कर रखी है, जैसे स्टाफ क्वार्टर होते हैं, गेस्ट हाउस पे इंस्टॉल कर रखी है, उस पे भी एडिशनल एप्शन नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लाइंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इन पे भी नहीं मिलेगा, ध्यान रहे पूरा। एनी प्लांट और मशीनरी द होल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विच इज अलाउड एज ए डिडक्शन वेदर बाय द वे ऑफ डिडक्शन और अदरवाइज इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ एनी वन प्रीवियस ईयर। कुछ ऐसी प्लांट मशीनरी जिसकी होल या पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट की डिडक्शन ही दे दी जाती है। भैया पहले तो 100% रेट पे, डेप्रिसिएशन रेट पे भी प्लांट मशीनरी होती थी, अब तो चलो है नहीं, बट स्टिल वी हैव द एग्जांपल। हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च है, हमारे पास 35AD के स्पेसिफाइड बिजनेस हैं जहाँ आपको पूरी पूरी प्लांट मशीनरी की कॉस्ट की डिडक्शन ही दे दी जाती है, तो भाई वहाँ आपको फिर एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक बार इसे रिपीट लगाते हैं थोड़ा। एडिशनल डिडक्शन मिलेगा किसको? मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। किस पे मिलेगा? नई प्लांट मशीनरी पे, नई प्लांट मशीनरी पे, और वो प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में ही यूज होनी चाहिए। अब किन प्लांट मशीनरी पे नहीं मिलेगा? सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा। प्लांट मशीनरी ऑफिस में लगवा दी, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में लगा दी, गेस्ट हाउस पे लगा दी, नहीं मिलेगा। ऑफिस के अप्लाइंसेस जैसे प्रिंटर, कॉपियर, ऐसी चीज़ें, कंप्यूटर, इन पे नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गाड़ी, ट्रक, सब इन पे नहीं मिलेगा। फिर ऐसी कोई प्लांट मशीनरी अगर है आपके पास जिसकी पूरी कॉस्ट की डिडक्शन मिल जाती है तो उस पे भी नहीं मिलेगा। फिर 180 दिन की बात होती है। अब 32.12 एज पर द सेकंड प्रोविजन टू 32.12 50% ऑफ एडिशनल डिडक्शन टू बी अलाउड वेयर द प्लांट मशीनरी इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। मतलब अगर आपकी प्लांट मशीनरी लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज हुई है तो एडिशनल डिडक्शन आपको 50% ही मिलेगी। मतलब कि 50% का मतलब कितना? 20% वैसे देने हैं, तो अगर ये 180 डेज वाली कंडीशन आपसे नहीं पूरी हो रही तो 10% मिलेगी भाई, ये कहना चाहता। फर्दर द थर्ड प्रोविजो ऑल्सो प्रोवाइड दैट द बैलेंस ऑफ 50% ऑफ एडिशनल डिडक्शन ऑन न्यू प्लांट मशीनरी अक्वायर्ड यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज which has not been allowed in the year of acquisition and installation shall be allowed in immediately succeeding year। मतलब अगर आपने कोई मान लो जी 100 लाख रुपए की मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदी और उसमें 180 डेज की कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाए तो 20% के हिसाब से कितनी डिडक्शन? 10 लाख की डिडक्शन तो आपको मिल गई इस साल, जिस साल आपने खरीदी और यूज़ करनी शुरू की। अब जो 10 लाख रहेगी ये सर अगले साल ले लेना, ये लिख रहा है ये। अब उसके बाद नीचे एक सर्कुलर है 2016 का, वो भी देख लें। ग्रांट ऑफ एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 32.12A इन केस ऑफ नेसेसिटी एंगेज्ड इन प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। कहता है जो एसएससी आपका मतलब कि प्रिंटिंग वगैरह का या पब्लिशिंग का काम करता है वो भी एलिजिबल है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। पढ़े असेसी इंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और थिंग इज एलिजिबल टू क्लेम एडिशनल डिडक्शन अंडर 32.12A इन एडिशन टू द नॉर्मल डिडक्शन अंडर सेक्शन 32.1। तो भैया ध्यान रखा जाए, तो यहाँ क्लैरिफिकेशन दी गई है कि ये लोग भी एलिजिबल हैं। टर्मिनल डिडक्शन, मनी पेबल एक बार वर्ड पढ़ लेते हैं। इन रिस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग मशीनरी, इसका मतलब होता है कि भाई इंश्योरेंस, सेल्वेज, कॉम्पनसेशन, और जहाँ बेचा गया है तो जिस प्राइस पे बेचा गया वो चीज़ है। अब उसके बाद ये रेट ऑफ डिडक्शन वाले चार्ट आ जाते हैं आपके पास, और आगे बढ़ते चलते हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे डिप्रिसिएशन को कंप्यूट करना है नॉर्मल एज वेल एज एडिशनल। और बेटा मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ जिस तरीके से इन्होंने यहाँ कर रखा है। मैं थोड़ा सा आपको आगे पहले पढ़ाना चाहता हूँ WDV के बारे में, इंस्टीट्यूट थोड़ा बताए आपको, फिर हम आपसे डिडक्शन कंप्यूट कराएं। ये एक्चुअल कॉस्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही हैं, ये भी पढ़ेंगे। PGBP नो डाउट बड़ा चैप्टर है बेटा, आपको टाइम लगेगा अगर इसका मॉड्यूल आपको कवर करना है। ये देखिए, ये राजी आपका WDV का मीनिंग 43(6) के अंदर
जो एसेट अक्वायर बाय द सेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होता है, इन द केस ऑफ एसेट अक्वायर्ड बाय सेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द रिटन डाउन वैल्यू मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट टू सेसी। प्रीवियस ईयर है तो मतलब वो नहीं पिछला साल, इंग्लिश वाला नहीं, प्रीवियस ईयर जिस साल की इनकम आप कंप्यूट कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे सिलेबस का प्रीवियस ईयर बोलें तो 19-20, जो एसेट आप 19-20 में खरीदेंगे उसकी WDV का मतलब क्या होगा, सर उसकी WDV का मतलब क्या होगा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट। और जो एसेट आपने 19-20 से पहले मतलब पिछले सालों में खरीदा हुआ उसके लिए WDV का मतलब सुने। इन केस ऑफ एन एसेट अक्वायर्ड बिफोर प्रीवियस ईयर द रिटन डाउन वैल्यू वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट टू द सेसी लेस एग्रीगेट ऑफ ऑल डिडक्शन एक्चुअली अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्शन। पुराने वाले के लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखो और माइनस कर लो जितनी डिडक्शन हो चुकी है डेप्शन के कारण। फॉर दिस पर्पस एनी डेप्शन कैरी फॉरवर्ड इज डीम्ड टू बी डेप्शन एक्चुअली अलाउड। ये थोड़ा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्शन वाली बातें कर रहा है, जो कैरी फॉरवर्ड भी हो गई वो हो सकता आपने पैसे तो भी क्लेम नहीं कर पाए इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट के कारण, पर ब्लॉक में से माइनस कर दी जाएगी। अब रिटन डाउन वैल्यू बता रहा है वो कैसे वर्कआउट करनी है। पहले WDV देख लो, कहता जी 1 अप्रैल को, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इमेजिन कि आप 19-20 के लिए सोच रहे हैं, आप इसके लिए सोच रहे हैं कि WDV कैसे आएगी, तो 1 अप्रैल की WDV देखो पहले। अगर आपने इस ब्लॉक के और एसेट बाय किए वो ऐड कर दो। उसके बाद जो पैसा आया, मनी रिसीवेबल इंस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक विच इज सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टूगेदर विद द स्क्रैप वैल्यू। फिर कहता है ये डिडक्ट कितना करना है। जैसे यहाँ बेटा जी मान लीजिए 50 लाख है, नए आपने खरीदे 100 लाख, टोटल हो गया 150 लाख, और इनमें से कुछ बेचे तो उनसे अमाउंट डिडक्ट करना है हमने। तो सेल करके कॉम्पनसेशन सेल्वेज कुछ भी अगर आया वो माइनस करना है। और वो कह रहा है आपने उसको जो थर्ड पे अमाउंट है उससे ऊपर नहीं जाने देना, मतलब दिस डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड 150 लाख। अगर आपने बेचे 20 लाख में तो 20 लाख माइनस कर दो। अगर आपके इनमें से कोई 2-3 एसेट बिकते हैं और उनसे आ जाता है आपको 175 लाख, भैया आप 150 लाख ही माइनस करोगे, ये कहना चाहता है। ये वो WDV है जिस पे डेप्शन अलाउबल है, इस पे आप डेप्शन क्लेम करो इस साल की, फिर डेप्शन लेस कर दोगे तो अगले साल की ओपनिंग WDV आ जाएगी। दिस इज द पॉइंट जो मैं चाहता था कि बच्चा पहले देख ले थोड़ा सा। अब बेटा मैं पहले इस पे 2 इजी से क्वेश्चन आपको कराता हूँ रिवीजन में, फिर हम इसको और बढ़ाते चलेंगे। लंबा मतलब कि डेप्रिसिएशन का है काम, पर इसमें ना यार कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सारा कुछ ही मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो ये सारा मैंने आपको कराना। अब हम इंस्टीट्यूट का डेप्शन का पहला केस देखने के लिए थोड़े तैयार हैं, ये देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, PGBP इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक्स अ प्रोप्राइटर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आया तो एडिशनल डेप्शन की घंटी बज गई। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ओपनिंग WDV 30 लाख रुपए, नई प्लांट मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज, न्यू प्लांट मशीनरी अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, कंप्यूटर अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रमाइस। ये सब दिया हो ऑफिस प्रमाइस, तो इस पे तो भाई एडिशनल डेप्शन भूल जाए। अमाउंट ऑफ डेप्शन, नॉर्मल डेप्शन एंड एडिशनल डेप्शन आपको निकाल के देनी है। अज्यूमिंग सारे एसेट जड़े हैं वो अकाउंट पे ही चेक से ही खरीदे गए, इधर भी एक रीज़न होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर तक। अब क्या हो रहा है, ब्लॉक बनाने का तरीका थोड़ा, मैं तो कहूँगा ब्लॉक तो चलो बनाया ही नहीं उन्होंने, तो सिर्फ डेप्शन ही कंप्यूट कर दिए। 2 मिनट बर्दाश्त कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे। अब जैसे ये हमारा 30 लाख का ओपनिंग वाला है, फिर ये एडिशन है एक 20 लाख का, फिर एक ये एडिशन है 8 लाख का। अगर कुछ खास नहीं लिखा है तो जिस दिन एसेट खरीदा गया है उसी दिन से ही पुट टू यूज़ माना जाएगा, तो ये 180 डेज की कंडीशन पूरी कर देगा ये वाला एडिशन, ये वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि 15-12 को आ रहा है, 31 मार्च तक 180 दिन कैसे हो जाएंगे। तो इन्होंने नॉर्मल डेप्शन निकाली पहले, तो अगर आप देखना चाहें 30 और 20 जोड़ के 50 बना दिए,
इसके लिए भी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप नोट एक पढ़ लो, वहाँ शायद आपको ब्लॉक भी दिखे। लो सर ब्लॉक दिख गया, ब्लॉक खैर पीछे रखे गए हैं। ओपनिंग WDB इस ब्लॉक की, फिर नई मशीनें कंप्यूटर के ब्लॉक में सबनी, ये कंप्यूटर का नया ब्लॉक आया। कंप्यूटर पर डेप्शन रेट कितना 40%, और दिस इज़ दी WDV जिस पे आप डिप्रिसिएशन ले सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंग। तो हमें आगे और अच्छा समझाया गया कि बेटा इस 50 लाख के ऊपर आप फुल डिप्रिसिएशन ले सकते हो। 50 लाख से मतलब ओपनिंग और पहला एडिशन, और वो जो 8 लाख वाला है उस पर 180 डेज से कम है तो हाफ डिप्रिसिएशन मिलेगी। और जो कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर तो शायद काफ़ी लेट ख़रीदा गया था, लाओ डेट एक बार देख लें। कंप्यूटर की डेट तो 2 जनवरी है भाई, वो तो बिल्कुल ही हाफ डिप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है। तो बड़ा अच्छा समझा दिया गया फाइनली, बहुत बढ़िया। अब नीचे थ्योरियां पढ़ना बेटा जी आपका काम रहेगा, ये आप अपने आप पढ़ते रहना। अब मैं यहाँ डिप्रिसिएशन आपको दिखा दूँ कैसे हुआ। ये 15% वाली डिप्रिसिएशन 50 लाख पे फुल ईयर के लिए, और वो जो 8 लाख वाला एडिशन था उस पर 15% हाफ ईयर के लिए। फिर ऐसी आपके कंप्यूटर के डिप्रिसिएशन भी की गई है। देन देर इज एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन देखिए जी, जो आपकी प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही है, नई मशीनरी है तो मिलनी है। सर इनके पास अब 2 नई मशीन ही है, 20 लाख वाली भी नहीं है, 8 लाख वाली भी नहीं है। सर वही कहानी फिर से, जो 20 लाख वाली मशीन है उस पर 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन पूरे साल के लिए, और जो ये 8 लाख वाली मशीन है उस पर 20% के बजाय 10%, हाफ ऑफ द एडिशनल डिप्रिसिएशन। इस तरीके से डिप्रिसिएशन निकालनी है बेटा, ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी। अब ये इन्होंने वो 6 प्रूजों पे बना रखी है, इसको हम अभी कवर करेंगे। एक इनके पास और है आगे बेटा इलस्ट्रेशन, जिसमें चीज़ें काफ़ी होती हैं, मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो भी मैं आपको दिखा दूं कि भाई कैसे डिप्रिसिएशन कंप्यूट हो रही है वहाँ पे। एक मिनट देंगे बस। बस जी, अब इसके आसपास वो इलस्ट्रेशन यहाँ होनी चाहिए, ये होगी। हाँ जी, ये हमारी जो IPCC फॉर्मेट या PCC फॉर्मेट में आई हुई इलस्ट्रेशन है। देखिए क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल कमेंस द प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट इन हिज ऑफिस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 एट द कॉस्ट शोन अगेंस्ट ईच वन ऑफ देम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम प्रोफेशनल इनकम AYB21, अज्यूमिंग ऑल एसेट वर परचेज बाय द वे ऑफ अकाउंट पे चेक। अभी अकाउंट पे चेक के थ्रू फिर बात लिख के आ गई। तो इसमें आया जी, पहले कंप्यूटर इंक्लूडिंग द कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डेट ऑफ एक्विजिशन 27 सितंबर को खरीदा गया बेटा, 1 अक्टूबर को पुट टू यूज किया गया है, दिन गिनना बेटा इसके जरूर। UPS 2 अक्टूबर को पुट टू यूज़ यहाँ, प्रिंटर 1 अक्टूबर साथ साथ पुट टू यूज़। अब बुक्स लिखी हैं, बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन 12,000, तो ये 13,000 की टोटल है, अदर देन एनुअल वाली 12 है। फिर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो अब सेम ही है। ऑफिस फर्नीचर अक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग CA, ये भी दिया हुआ है। फिर लैपटॉप है, तो इन पर आपको डिप्रिसिएशन निकालनी है मल्टीपल एसेट्स। तो पहले देखें जी, इंस्टीट्यूट ने फर्नीचर का ब्लॉक बना दिया 10% रेट पे, हमें भी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। फर्नीचर 3 लाख का है और उसी हिसाब से मोर देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज़ है, तो 30,000 की डिप्रिसिएशन वहाँ बन जाती है। अब जो प्लांट का नोट बना है, प्लांट 40% रेट पे बना है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है ध्यान दें। एक तो कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर्स, UPS, प्रिंटर, लैपटॉप, बुक्स, 40% ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ आपको अब दिन थोड़े गिनने पड़ेंगे कि किस हिसाब से। अब जैसे कंप्यूटर था हमारा, यहाँ ये पुट टू यूज़ इन्होंने कर दिया था 1 अक्टूबर को, तो अगर एक बार आप दिन गिनना चाहते हैं तो मैं ज़रूर गिनवा देता हूँ। अक्टूबर जो होता है वो आपका 31 का महीना होता है, 1 अक्टूबर को आप पुट टू यूज़ कर रहे हो। देन यू हैव नवम्बर 30 दिन,
31 दिन जी आपके दिसंबर के, देन यू हैव 31 की जनवरी, इस बार 29 की फरवरी, 31 का मार्च, बहुत आसानी से 180 दिन हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली 180 दिन से ज़्यादा या 180 दिन के लिए यूज़ कर लें तो आपको डेप्शन पूरी मिलनी होती है, वही यहाँ हुआ। अब जो यूपीएस है, यूपीएस में अगर आप देखें पुट टू यूज़ 8 अक्टूबर का है, वहाँ दिन डेफिनेटली 180 से कम हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली जो डेप्शन बननी है उसका हाफ कर दिया गया। प्रिंटर मोर देन 180 डेज है, डेप्शन पूरी दी गई है। लैपटॉप लेस देन 180 डेज है 20% के हिसाब से, तो बुक्स वगैरह का आप देख सकते हैं। तो भाई इस तरीके से डेप्शन इसमें कंप्यूट हुई है। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हुआ जी डेप्रिसिएशन का कि डेप्शन कैसे होती है। अब सर बात तो ये है, कहानियां तो बहुत ज़्यादा है मॉड्यूल में, तो वो लेके आओ। बस बस सर हमें तो यही था कि एक आपको आइडिया दे दें। कुछ लोग ऐसे भी जुड़ते हैं कि जिन्होंने पहले किया नहीं होता। अब आओ जी टेक्निकल केसेस, ये करो पहले तो जहाँ डेप्शन डिवाइड होती है दो पार्टियों में। डेप्शन इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म सोल प्रोप्राइटर कंसर्न बाय कंपनी बिजनेस बाय कंपनी और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अमलगामेशन और डी मर्जर ऑफ कंपनीज। कहता अगर सक्सेशन ऑफ अ फर्म या सोल प्रोप्राइटर बाय कंपनी, जैसे बंदा सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, उसने अपने आप को अब कंपनी में कन्वर्ट कर लिया प्रीवियस ईयर 19-20 में, तो एक मसला हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन का क्या करें, क्योंकि हो सकता है वो पहले 3 महीने सोल प्रोप्राइटर है, अगले 9 महीने वो कंपनी है। कुछ रूल बनाना पड़ेगा ना कि ऐसे में डेप्शन का क्या होगा। ऐसी अमलगामेशन हो जाती है कंपनियों की, डी मर्जर हो जाते हैं, तो ऐसे में अब डेप्रिसिएशन का क्या किया जाएगा। एज पर द सिक्स प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2) डेप्शन अलाउबल इन केस ऑफ प्रीडेसर एंड सक्सेसर, प्रीडेसर मतलब पिछला, सक्सेसर मतलब अगला, इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म सोल प्रोप्राइटर कंसर्न बाय कंपनी फुलफिलिंग द कंडीशन इन दिस सेक्शन। ये सेक्शन है जी कैपिटल गेन की हेडिंग के, सेक्शन 47 है और उसकी सब क्लॉजेज हैं। ये ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन्स बताते हैं, मैं आपको याद करा दूं, जिन्हें हम ट्रांसफर ही नहीं मानते। इसमें आप याद करेंगे कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर है, उसने अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है, फिर उसको कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर दे दिए गए हैं, सारे एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उस चीज़ को हम ट्रांसफ़र नहीं मानते पहली बात। बस तभी फिर सवाल उठता ना कि जब आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, आपने ऑन पेपर तो ये दिखाया कि आप सोल प्रोप्राइटर थे, आपने अपना बिजनेस एक कंपनी को बेचा एक तरह से, इस वक्त आपको कैपिटल गेन नहीं लगाया गया क्योंकि सेक्शन 47 में इसे ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाता, इनकरेज की जाती है कॉर्पोरेटाइजेशन। बट बेटा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर डेप्शन कैसे करेंगे, इसको भी पूरे साल की डेप्शन दे दें, उसको भी दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पहले टैक्स नहीं ले रहे एक तो हम कैपिटल गेन वाला, ऐसे ही कह रहे हैं प्रीडेसर कंपनी एंड सक्सेसर एलपीपी इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ये भी आजकल बड़ा फैशन है कि प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक का एलएलपी बनाया जा रहा है। फिर कहता जी अमलगामेटिंग अमलगामेटेड कंपनी डीमर्ज्ड कंपनी रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ अमलगामेशन और डीमर्जर, जैसे ए लिमिटेड है उसको बी लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, या ए लिमिटेड में कई बिजनेस सेगमेंट थे, उन्होंने एक A1 लिमिटेड अलग बना दी, इसमें से इसी का एक हिस्सा अलग कर दिया, बाकी ये भी जिंदा, तो ये अमलगामेशन अब्सॉर्प्शन हो गया, ये डीमर्जर हो गया। ऐसे में मुसीबत आ जाती है कि सर डेप्शन का क्या होगा। क्या लिखा है इन सभी केसेस के लिए इकट्ठे, शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्शन कैलकुलेटेड एट द प्रिस्क्राइब रेट एज इफ द सक्सेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अमलगामेशन बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अमलगामेशन और डीमर्जर हैड नॉट टेकन प्लेस। पहली बात, इनकम टैक्स एक्ट इस मामले में बहुत क्लियर है कि वो ये कहना चाहता है कि भैया जो डेप्शन इन दोनों को देनी है ना, प्रीडेसर और सक्सेसर को, वो उस डेप्रिसिएशन से ज्यादा नहीं होगी अगर ये घटनाएं ना घटी होती, मतलब अगर सोल प्रोप्राइटर अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट ना करता उसे कितनी डेप्शन मिल जाती, अगर कंपनी को दूसरी कंपनी अमलगामेट ना करती तो कितनी डेप्शन मिल जाती इस पहली कंपनी को, पहले वो देख लो। मतलब फर्स्ट इमेजिन कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पुराने बंदे के हाथ में डेप्शन निकाल दो, ऐसे कहना चाहता। सर फिर ये डेप्शन तो हम निकाल देंगे,
अब ये एडेप्शन किसको मिलेगी, पुराने को या नए को? आपका दिमाग क्या कहता है? सर दिमाग तो कहता है दोनों का हक है, थोड़ी देर पुराने ने यूज़ किया, थोड़ी देर नए ने यूज़ किया, जैसे 60 डेज इसके, 306 डेज इसके, समझे? तो ऐसा कुछ दिमाग में आता है। क्या कहता है? इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड सच अमाउंट ऑफ एडेप्शन शेल बी अपोर्शनड बिटवीन द टू एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट्स वर यूज्ड बाय देम। कहता जी हम इस डेप्रिसिएशन को, जो सच अमाउंट ऑफ डेप्शन जो ऊपर कंप्यूट हुआ है, उसको दोनों में बांटेंगे। किस रेशियो में? नंबर ऑफ डेज की रेशियो में, कितने दिनों के लिए किसने यूज किया, उस हिसाब से डेप्शन दोनों में बांट दी जाएगी। अब मैं इस पे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास एक सवाल है यहाँ पे, इस पे आपकी नज़र लेके जाता हूँ। ये देखें सर, गोपी पाइप्स वाला ये क्वेश्चन जो है, ऐसा कुछ गोपी वाला कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। मिस्टर गोपी कैरिंग ऑन द बिजनेस एज ए प्रोप्राइटर कन्वर्टेड द सेम इनटू अ लिमिटेड कंपनी बाय द नेम ऑफ गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड इस दिन से 1719 से। डिटेल ऑफ द एसेट आर गिवन बिलो। ब्लॉक 1 WDVO प्लांट मशीनरी रेट ऑफ डेप्शन, ये इतनी वैल्यू। ब्लॉक 2 WDVO बिल्डिंग, ये इतनी वैल्यू। द गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड अक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान से सुनना, पहले गोपी था, पहले था गोपी, मिस्टर गोपी सोल प्राइटर थे वो, अब उन्होंने बना दिए गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी बना दी, ठीक है भाई। तो एक कंपनी बना दी इन्होंने। अब इसमें क्या है कि भाई दो चीज़ें तो अगर आप ध्यान से देखें, ये तो गोपी के पास ही है शुरू से, और एक तीसरी चीज़ है जो गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर में खरीदी। तो भैया इस तीसरी चीज़ की डेप्रिसिएशन का बंटवारा करना नहीं बनता, क्योंकि मिस्टर गोपी ने तो एज ए सोल प्राइटर कभी ना ही इसमें पैसा लगाया, ना ही कभी इसे यूज़ किया, ठीक है, इसको साइड पे रखें। इट हैज़ बीन डूइंग बिजनेस, चलो वो तो हमने आपकी बात सुन ली, बिजनेस कब से कर रहे हैं आपने ऊपर भी बताया। अब कहते हैं क्वांटम ऑफ डेप्शन टू बी क्लेम्ड बाई मिस्टर गोपी एंड सक्सेसर गोपी लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर बताओ, अज्यूमिंग दैट द प्लांट मशीनरी और परचेज बाय अकाउंट पे चेक। एडिशनल डेप्शन कहता है इग्नोर करके चले। चलो सर कार्रवाई शुरू करें। देखें सर क्या हो रहा, इन्होंने गोपी के हाथ में डेप्शन निकालनी शुरू की पहले। इन्होंने क्या दिखाया कि भाई देखिए अगर गोपी ये प्लांट मशीनरी शुरू वाली पूरा साल रखता तो ये डेप्शन उसे मिल जाती, बिल्डिंग पे ये डेप्शन मिल जाती, टोटल डेप्शन इतनी मिल जाती अगर गोपी गोपी पाइप्स ना बना होता। तो जो ये डेप्रिसिएशन है ये शेयर होनी है दोनों, अब शेयर होनी है इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। गोपी के पास 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, 30 दिन जून के, ये गोपी के दिन माने जाएंगे 91, क्योंकि पहली जुलाई से गोपी प्राइवेट लिमिटेड बन गया। तो 430,000 को 91/366 आप समझे होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज 366 इस साल के, तो उसमें से 91 डेज का कितना होगा, उतना डेप्शन आपके पास यहाँ दिखाई देने लग गया। अब वो जो गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड है, बचे हुए 275 दिन भाई उसके हैं, उसकी डेप्शन उसके पास, और एक मशीन खरीदी ही गोपी पाइप प्राइवेट लिमिटेड ने थी 1,00,000 की, उसके ऊपर 15% और उसका फिर 50% भी किया गया, वो डेप्शन उसे दी गई। बहुत ही बढ़िया सर, एडिशनल डेप्शन हैज बीन इग्नोर्ड, कहानी आपने पूरी पूरी समझ ली है। हमने ये मान के सॉल्व किया है कि इस ट्रांसफर के केस में भी 4714 की कंडीशन है सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमारी 6 प्रोविजो लगती ही तब है। और सुनते हैं आगे, एक नाम आ रहा है जी साई लिमिटेड, इसके बारे में समझते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ। साई लिमिटेड हैज़ ए ब्लॉक ऑफ एसेट 15% रेट ऑफ डेप्शन, जिसकी WDV 40,00,000 है। इट परचेज अनदर सेकेंड हैंड प्लांट ऑफ द सेम ब्लॉक इस दिन, put to use same day. Sai Limited was amalgamated with Shirdi Limited with effect from this date. ठीक, amalgamation का मामला है कंपनियों का। अब कहता है जी आप साई के लिए कितनी डेप्शन कहेंगे, शिरडी के लिए कितने कहेंगे, ये बताएं। Assuming asset were transferred to this rate, not relevant. Plant machinery account पे चेक से खरीदे गए हैं, ठीक है बात। अब पहले क्या करना का कि पहले आप साई लिमिटेड के लिए डेप्शन निकाल लो, ये मान के कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो साई लिमिटेड के पास जो ब्लॉक है वो 40,00,000 का शुरू में,
एक इन्होंने और इसमें एसिड डाला है, वो एसिड यहाँ डाला गया 1440 का, पहली नवंबर को है, टाइम काफी बीत चुका वहाँ। ये देखिए जी, ये देखिए, इसके साथ साफ लिख दिया गया कि लेस देन 180 डेज है। नाउ दे विल कैलकुलेट द डेप्शन, और यहाँ पूरे साल के लिए होगा, यहाँ पे आधे साल के लिए होगा। ये डेप्शन आपके सामने आ चुकी है 7,08,000 की। अब भैया ये डेप्शन होगी डिवाइड साई लिमिटेड और शिरडी लिमिटेड में। यहाँ पॉइंट बहुत अच्छे वाला बेटा, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि इसमें एक मशीन ऐसी है कि जो पिछले क्वेश्चन में देखें तो जो डेप्शन शेयर हो रही थी वो ऐसे एसिड की थी जो शुरू से ही थे। गोपी के पास वो दोनों एसिड शुरू से ही थे, गोपी ने कंपनी बनने से पहले कुछ नहीं खरीदा था। यहाँ साई लिमिटेड के पास ये वाला तो शुरू से, ये वाला उनके पास बाद में आया। इनके दिन गिनने में गलती हो सकती है भाई, मैं पहले कह दूँ। अब ये देखो 6,00,000 वाली डेप्रिसिएशन 366 के अकॉर्डिंग शेयर हो रही है, क्योंकि वो उस एसेट की है जो पूरे 366 डेज के लिए प्रेजेंट था। ठीक है बेटा, अब इसमें प्रीडेसर के पास कितनी देर था वो भी बता देता हूँ भैया। ये अगर आप पढ़ लें, साई लिमिटेड वाज अमलगामेटेड विद शिरडी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, तो जो इधर वाले दिन है ना वो गिनने ज़्यादा आसान है कि ये नए वाले के पास कितने हैं। जनवरी 31 दिन आपके फरवरी के, 31 दिन आपके, एक बार हम चेक कर लें अच्छे से कि अमलगामेशन किस दिन हुई है। हाँ जी सर, 1 जनवरी को ही हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ दिन बनते हैं सर, अगर आप दिन गिने तो ये कितने बन गए सर, 91 डेज, इनका टोटल 91 हुआ। 366 में से 91 हटा दे तो 275 डेज यहाँ रहे। तो साई को 6,00,000 की डेप्शन में से 275 बाय 366 मिला, शिरडी को 6,00,000 की डेप्शन में से इतना मिला, 91 बाय 366। अब बेटा जो आपका एसिड नंबर 2 है उसकी डेप्शन भाई आपकी 1,08,000 है, पर वो 366 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, उसके इतने दिन ही नहीं थे। देखो जी, वो पुट टू यू सेम डे है, तो 1/11 से अगर हम दिन गिनेंगे पहले उसके, 1/11 से दिन गिनेंगे, 1/11 मतलब नवंबर 30 दिन, 31 दिन दिसंबर, 31 दिन जनवरी, 29 दिन फरवरी, 31 दिन मार्च। नाउ यू हैव 152 डेज इन टोटल, जिसमें सर जो ये वाले हैं अगर आप ध्यान दें, क्योंकि हमारा अमलगामेशन में दोबारा वापस ले आऊँगा कि 1 जनवरी को हुआ है, तो जो प्रीडेसर है वो नवंबर और दिसंबर उसे यूज़ करता रहा, तो दिस विल बी 61। ये सक्सेसर के पास है, ये आपके हैं 91, तो 61 डेज की इसके पास, 91 डेज की इसके पास, नीचे 152 टोटल, नॉट 366। आंखें खुली रखना, ध्यान रखना अपना, इस हिसाब से डेप्शन शेयर हो रही है। फिर हायर परचेज का एक पैरा दिया हुआ है, उसमें वो समझाया हुआ है कि हायर परचेज स्पेशल केस ऑफ ओनरशिप है और आपको डेप्शन वहाँ यूज़र को मिल जाती है। हाँ जी, फिर एक्चुअल कॉस्ट का पैरा बहुत ज़्यादा केसेस है, मैं मेन ब्रीफिंग ही करूँगा इसकी। एक तो बार बार अकाउंट पे ही चेक क्यों लिख के आ रहा था वो ज़रूर समझे। जैसे उसने लिखा कि एक्चुअल कॉस्ट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी एज रिड्यूस बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट देयर ऑफ इफ एनी has been met directly or indirectly by any other person or authority। इससे एक हिंट मिल जाता है कि जैसे अगर आपको कोई ग्रांट सब्सिडी वगैरह मिली होगी तो वो माइनस करी जाएगी। अब इसके बाद ये क्या लिखता है कि भाई आपने 10,000 से ऊपर का जो एसेट खरीदना है, मैं मोटा मोटा रिवाइज करा दूँ आपको, तो उसकी पेमेंट आपको या तो अकाउंट भी चेक से करनी होगी, या अकाउंट पे ड्राफ्ट देना होगा, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यूज़ करने होंगे, या नए डिजिटल मींस यूज़ करने होंगे इलेक्ट्रॉनिक वाले। अगर वो 10,000 से ज़्यादा, अगर 10,000 से ज़्यादा हुआ और पेमेंट आपने अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ECS या प्रिस्क्राइब मोड्स में ना की, तो भैया भूल जाओ उसको, आपको दी एक्चुअल कॉस्ट 0 मानी जाएगी, कोई डेप्शन नहीं दी जाएगी। सच एक्सपेंडिचर शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दी एक्चुअल कॉस्ट, ध्यान रखें। इसलिए बार बार पीछे लिख के आ रहा था कि अकाउंट पे चेक से खरीद। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस बहुत हैं 43(1) की। भैया पहले ही है साइंटिफिक सर्च वाली, मैं याद करा दूं। साइंटिफिक सर्च में क्या होता था कि आप मशीन खरीदते उसका 100% राइट ऑफ मिल जाता था। मान लो वो रिसर्च खत्म होगी, आप एसेड को बिजनेस में ले आए, तो अगर एसेड की बिजनेस के ब्लॉक में एंट्री करवानी है तो ऐसे होती थी कि उस एसेड की पहले बताओ एक्चुअल कॉस्ट क्या थी,
बंदा कितना जी 23 लाख। साइंटिफिक रिसर्च में कितनी डिडक्शन ले ली थी सर? पूरी ले ली थी। तो ब्लॉक में एंट्री कितने पे होगी? निल पे। ये इस पहली एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, साइंटिफिक रिसर्च पहली एक्सप्लेनेशन। फिर इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज फॉर द बिजनेस ऑपरेशन। कल देखा हमने, जब आप इन्वेंट्री का कन्वर्जन करेंगे कैपिटल एसेट में, तो पहले तो आपकी इनकम बनेगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। फिर उसको आप ले आए हैं बिजनेस में, तो ब्लॉक में एंट्री होगी, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसकी डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन, उसी को एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। ये 1A में लिखा है, ये 1A में लिखा। फिर जो एसेट आपको बाय द वे ऑफ गिफ्ट या इनहेरिटेंस मिलता है, वेयर एसेट इज एक्वायर्ड बाय द वे ऑफ गिफ्ट इनहेरिटेंस, एक्चुअल कॉस्ट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्शन अलाउबल टू द सेसी एज इफ द एसेट वाज द ओनली एसेट इन द रेलेवेंट ब्लॉक। मतलब कि किसी ने गिफ्ट या विल में एसेट आपको दे दिया, तो ब्लॉक में एंटर तो हो जाएगा, पर उसकी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर में से डेप्शन लेस होकर एंट्री होगी। बाकी जो फ्रेट फ्रूट उस पर इनकर हुआ, इंस्टॉलेशन हुई है, वो यहाँ आएगी। सेकेंड हैंड एसेट क्या होता था कि भाई कई बार लोग ना सेकेंड हैंड चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के खरीद लेते हैं ज़्यादा डेप्शन लेने के लिए। तो ऐसे में एओ के पास एक पावर होती होती है कि भाई वो आपका जो ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेके ये डिटरमिन कर सकता है कि इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब रीएक्विजिशन ऑफ एसेट। रीएक्विजिशन ऑफ एसेट क्या होता था कि एसेट पहले मेरा है, मैंने बेच दिया, दोबारा वापस ले। अब ऐसे में इनको ये लग जाता है कि तू स्कीम बना रहा होगा इसलिए ऐसा किया। तो ये कहते हैं कि बेटा हम पता क्या करेंगे, ऐसा हम रोक तो सकते नहीं। जैसे मैं एसेट बेचा, 2 साल बाद मैंने वही एसेट दोबारा खरीद लिया, तो ये मना तो कर नहीं सकते कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। कहते बेटा अब तेरी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी ना रीएक्विजिशन के वक्त, वो होगी एक्चुअल कॉस्ट व्हेन द एसेट फर्स्ट एक्वायर्ड माइनस डेप्शन एज इफ द एसेट वाज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, पुरानी कॉस्ट माइनस उसमें से डेप्शन, और एक्चुअल प्राइस पेड बाय हिम जितना अब आपने पे किया विच एवर इज लेस। तो अगर आप ज्यादा शाने बन रहे होंगे तो सिलेक्ट ये हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन 4 होती थी। फिर उसके बाद होता था ये सेल एंड लीज बैक वाला केस, एक्सप्लेनेशन 4A। इसमें क्या होता था मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। ए एसेट अपना बी को पहले सेल कर देता था, फिर ये ए एसेट बी से लीज पे ले लेता था। एसेट फिजिकली तो मूव ही नहीं करता था, तो ऐसा लोग करते थे। लंबी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। हमें ये समझना है कि इस सिचुएशन में बी के लिए कॉस्ट क्या मानी जाती है। नाउ द बी इज द ओनर, बी के लिए कॉस्ट ये मानी जाती है कि ए की कॉस्ट माइनस जितनी डेप्शन वहाँ हो चुकी थी। इतना इसके अंदर आपको पढ़ना है, चीज़ें पूरी दी हुई हैं, आप पढ़ सकते। देन उसके बाद बिल्डिंग, ये बेटा इस पे आया भी हुआ सवाल, नीचे दिया भी हुआ, देखो ये भी बताएगा, इसको अच्छे से करो। वेयर अ बिल्डिंग विच वॉज प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ सेसी इज ब्रॉट इन टू द यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कोई बिल्डिंग जो आपकी पहले प्रॉपर्टी थी, अब आप उसे अपने बिजनेस ऑपरेशन में ले आए हो, इट्स एक्चुअल कॉस्ट टू द सेसी शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टू द सेसी as reduced by amount equal to the deduction calculated at the rate in force on that date that would have been allowable had the building being used for the purpose of business or profession since the date of acquisition by the SSC। भैया जो ये तुम्हारे पास मान लो शोरूम है, तुम उस पर पहले अपनी कोई दुकान या काम धंधा नहीं करते हो, अब तुमने उसमें अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिल्डिंग को बिजनेस के लिए यूज करने लगे। सवाल उठ गया सर इस पर deduction कैसे होगी? भैया शोरूम की कॉस्ट देखी जाएगी, उस पर जिन सालों में आपने बिजनेस में नहीं भी यूज़ किया उसे, उन सालों की भी डेप्शन लेस होएगी होएगी। ये कहती है आपकी एक्सप्लेनेशन 5। अब ये बहुत अच्छा केस है, अच्छे से समझना। मैं एक कार है इस बंदे के पास जो इसने इतने में खरीदी पर्सनल यूज़ के लिए, ये प्रोफेशन में ले आया इस दिन से। एक्सप्लेनेशन 5 सिर्फ बिल्डिंग पे लगती है, कार पे नहीं। उसकी मार्केट वैल्यू भी दे रखी है कार की। कहता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार एंड अमाउंट ऑफ डेप्शन निकालो, अज्यूमिंग रेट ऑफ डेप्शन इतना। पर गाड़ी के केस में 5-25 ही कॉस्ट है, ये एक्सप्लेनेशन 5 सिर्फ बिल्डिंग के लिए। तो भैया परचेज प्राइस इज द एक्चुअल कॉस्ट टू डॉक्टर, मार्केट वैल्यू ऑन द डेट इज नॉट रेलेवेंट, अमाउंट ऑफ डेप्शन इतना हो जाएगा। इतनी कहानी आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर इसमें होल्डिंग सब्सिडरियों वाले कुछ केस आते हैं बेटा, वो आपने पढ़ लेने हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम रिविजन में उसमें टाइम लगाएं। अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 8 है। मतलब जब इंटरेस्ट होता है ना, एसेट खरीदा, कैपिटल एसेट खरीदा, लोन लिया,
उसके ऊपर होता ब्याज, अब वो कॉस्ट में आएगा कि नहीं, ये एक्सप्लेनेशन उसके बारे में बताती थी। तो भैया ये यहाँ से पढ़ें बस इतना, एक्सप्लेनेशन 8 to 43(1) प्रोवाइड एनी अमाउंट पेड और पेबल एज इंटरेस्ट इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ एन एसेट एंड रिलेटेबल टू द पीरियड आफ्टर द एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज। जहां तक पुट टू यूज नहीं ना हुआ वहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना, जहां तक पुट टू यूज नहीं हुआ, अवेलेबल फॉर यूज नहीं, पुट टू यूज। और जब पुट टू यूज हो गया, आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, शेल नॉट बी एंड शेल बी डीम टू हैव बीन नेवर इंक्लूडेड इन एक्चुअल कॉस्ट। मतलब वंस द एसेट इज पुट टू यूज तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो पी एंड एल में जाएगा, 36(1)(3) में डिडक्शन ले लें, एक्चुअल कॉस्ट में कैपिटलाइजेशन बंद। फिर एक्साइज ड्यूटी है, बाकी और जीएसटी है, ऐसी चीजें हैं। अगर भैया आपने उसका क्रेडिट ले लिया तो वो कॉस्ट नहीं है, ये तो आप जीएसटी में पढ़ते रहते हो। एक्सप्लेनेशन 10 आपकी सब्सिडी की बात करती है, ठीक है भैया। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो आपने देख लेनी है, मैं अब और आगे निकलने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से। WDV मैंने तुम्हें पढ़ा दिया अभी अभी, ये फिर यहाँ नहीं मेरी बात बननी अभी, ये इन चीज़ों की मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही। आगे चलते हैं। चलो कैरी फॉरवर्ड का एक है ही है पंगा हमेशा, इट्स इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 32(2) प्रोवाइड्स फॉर द कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनऑब्जॉर्ब्ड एक्शन वेर इन एनी प्रीवियस ईयर द प्रॉफिट और गेन्स आर नॉट सफिशिएंट टू गिव फुल इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउंस, अनऑब्जॉर्ब्ड एक्शन शैल बी एडेड टू द डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर एंड शैल बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट अलाउंस। इफ नो डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर दैट प्रीवियस ईयर, अनऑब्जॉर्ब्ड डिडक्शन ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर शैल बिकम द डिडक्शन अलाउंस फॉर दैट ईयर। लेकिन सर इसे आराम से पढ़ें, ये आपको सारा पता है क्या कहना चाहता है। वेयर इन एनी प्रीवियस ईयर द प्रॉफिट और गेन चार्जेबल आर नॉट सफिशिएंट टू गिव फुल इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउंस, तो जो आपकी अनऑब्जॉर्ब्ड डिडक्शन होगी वो अगले साल की डिडक्शन में ऐड हो जाएगी, अगले साल की डिडक्शन मान ली जाएगी। एंड शैल बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट अलाउंस, इफ नो डिडक्शन अलाउंस इज अवेलेबल फॉर दैट प्रीवियस ईयर, अनऑब्जॉर्ब्ड डिडक्शन ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर शैल बिकम द डिडक्शन अलाउंस फॉर दैट ईयर। और अगले साल अगर आपको बाई चांस डिडक्शन वैसे अवेलेबल नहीं है तो जो पिछली आपकी अनऑब्जॉर्ब्ड है वही डिडक्शन मान ली जाएगी। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज दैट अनऑब्जॉर्ब्ड डिडक्शन शैल बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली टिल इट इज फुली सेट ऑफ। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ भी दिया हो कि कैसे हमने सेट ऑफ करना है इस डिडक्शन को। अब देखिए जी थोड़ा वो समझा रहा है। Over in order of the set off of losses under the heads of income, effect shall be given to business loss, then to the unabsorbed deduction. Unabsorbed deduction form part of the current year deduction. ये हमने पढ़ा। It can be set off against any other head of income except क्या भी? Salaries. Salary के against नहीं adjustment होती। Unabsorbed deduction can be carry forward for indefinite number of years. ज्यादातर 8 साल होते हैं losses के, पर unabsorbed deduction एक special case है। लॉस वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इसमें इनडेफिनेट कैरी फॉरवर्ड मिल रहा। सेट ऑफ विल बी अलाउड इवन इफ द सेम बिजनेस जिसको ये रिलेट करती है, वो काम धंधा मैंने बंद कर दिया, फिर भी इसका सेट ऑफ मिलता रहेगा। बाकी इन्होंने एक ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ दिया होगी, पहले करंट ईयर डिडक्शन ले लो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एडजस्ट कर लो, फिर अनऑब्जॉर्ब्ड डिडक्शन क्लेम कर दिया करो। ये बात लिखी हुई है भाई, ध्यान रखना पूरा। उसके बाद जी मेरे पास एक सवाल यहाँ आ रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई तो इन्होंने 35(2)(a) वगैरह ये कुछ चीज़ें यहाँ लगाई हैं। कोई नहीं, आते हैं इस पे भी, देखते हैं क्या कहना चाहता है। अगर लगेगा कि और पढ़ने की ज़रूरत हो तो पढ़ लेंगे। गामा प्रोप्राइटर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स। मैन्युफैक्चरर है पहले, तो इस दिन बिजनेस स्टार्ट कर रहा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेट अप ऑन दिस डेट। He commenced the manufacturing operation on this date. Total cost of plant and machinery installed 120 crore. Said plant and machinery include second hand, bahar kar do second hand wale ko. And new plant and machinery for scientific research relating to the business of SC acquired at the cost of 15 crore. Dhyan rakhna padega bhai iska bhi. Compute the amount of deduction allowable under section 32. Sara account bhai check se hua. Achha case hai, again, aapko high quality question milne hai module mein jab bhi aayenge. 120 करोड़ में से 15 करोड़ तो हटा दिए गए, ये कह के कि ये तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इसका फैसला 35(1)(4) और 35(2) देखेंगे।
तो 105 जो बचे उसके ऊपर नॉर्मल डिडक्शन ले ली गई 15% के हिसाब से। ये तो बात ठीक लगी बिल्कुल ही। अब कह रहा बेटा एडिशनल डिडक्शन किस पे मिलेगी सर, 120 में से एक आपका सपना सेकंड हैंड वाला हटाओ, एक साइंटिफिक सर्च वाला हटाओ, क्योंकि तो अभी पढ़ा था ना एडिशनल डिडक्शन में कि जिसकी रिडक्शन ही मिल जाएगी उस पर एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो साइंटिफिक सर्च वाले की तो डिडक्शन ही मिल जाएगी। तो 85 पे 20% लगाया गया, इन दोनों को जोड़ लिया गया, ये मेरा एडिशनल अलाउंस आ गया जी बेटा जी इस साल का। तो इसकी भी अच्छी नीचे नोटिंग दे रखी है, वो आपको जरूर पढ़नी है। और आगे चलते हैं सर। अब पता क्या है, अब दो बड़े धमाकेदार चीजें हैं, एक तो 32 AD वाला ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस, और एक जो बैकवर्ड स्टेट्स कह लो नोटिफाइड रीजन्स कह लो वहां 35% एडिशनल डिडक्शन है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर। देखो 32 AD अलग चीज है, एडिशनल डिडक्शन वैसे 20% है, पर कई जगह पे कई बैकवर्ड एरियाज में ये 35% हो जाता है, इन्हें मिक्सअप ना करना ठीक है बेटा। तो ये सारा आपको डिटेल यहाँ दिया है, तो उस पर एक अच्छा सवाल बनाया गया, उसके बाद साइंटिफिक सर्च है। यहाँ तक तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। कौन सा पहले पढ़ोगे सर, जो पढ़ा दो 32 AD पढ़ दो पहले। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज और स्पेसिफाइड स्टेट्स, पूरी स्टेट में नहीं है, उन स्टेट्स के कुछ नोटिफाइड एरियाज टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब इसमें वो आपको कहेगा कि भाई ये स्टेट्स हैं, इनके ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज हैं, यहाँ चले जाओ, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाओ अपना, तो आपको मैं 15% डिडक्शन दे दूंगा। ये डेप्रिसिएशन नहीं है, अलग काउंट होगा, 32 AD है। मैं 15% डिडक्शन दे दूंगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट मशीनरी की। लाओ पढ़ें ये बारे। इन ऑर्डर टू इनकरेज दी सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, सेक्शन 32 AD हैज बीन इंसर्टेड। ये आपको डिडक्शन देगा अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट मशीनरी। नई प्लांट मशीनरी का 15% आप कर लो, अगर 100 करोड़ की मशीन लगाई तो 15 करोड़ की डिडक्शन आप ले सकते हो, अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन दिस असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर। अगर ये कंडीशनें पूरी होंगी तो पहले असेसी सेटअप एंड अंडरटेकिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग इस डेट के बाद इन एरियाज में, फिर जो अंडरटेकिंग आपने लगाई इस पीरियड के अंदर अंदर वहां आपने नई प्लांट मशीनरी लगा दी ठीक है। अब न्यू प्लांट मशीनरी में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, शिप एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे, सेकेंड हैंड वाली नहीं आएगी, ऑफिस वाली नहीं आएगी, व्हीकल नहीं आएंगे, एडिशनल डिडक्शन जैसे ही है, जिन चीजों की वैसे ही डिडक्शन मिल जाती है वो भी नहीं आएंगे। तो समरी वर्जन ये है, ये चार स्टेट्स हैं, पूरी स्टेट्स में कहीं, पूरी स्टेट में कहीं भी काम कर लोगे ऐसा नहीं है, इनके अंदर नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ काम करना है, जाके मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एक टाइम है जिसके अंदर अंदर आपको ये मशीनें खरीदनी है, यूनिट भी आपका नया ही सेटअप हुआ होना चाहिए इस डेट तक या ऑन और आफ्टर ठीक है, इस डेट के ऑन और आफ्टर, इस डेट तक नहीं, इस डेट के ऑन और आफ्टर, तो आपको 15% हम डिडक्शन दिलवा देंगे, ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। इसके बाद अब ये भी होता है कि इंडिया में लोग स्कीमी होते हैं, अगले कहें जी हमने अब नया लगाया डिडक्शन ले ली चलो अब बेच देते हैं प्लांट को, ना ना बेटा ऐसे कैसे बेच देते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप बाय अवेलिंग दिस इंसेंटिव एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दीज एरियाज बाय कैरिंग आउट द मैन्युफैक्चरिंग फॉर ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सूटेबल सेफ गार्ड रखा गया कि आप इस नई प्लांट मशीनरी को 5 साल के लिए बेच नहीं सकते ठीक है जी। तो अगर आप 5 साल के अंदर अंदर बेचोगे, एक एक्सेप्शन है जिसमें बिक सकता है, वो है अमलगामेशन डीमर्जर रीऑर्गेनाइजेशन। अमलगामेशन डीमर्जर रीऑर्गेनाइजेशन वही जैसे कंपनी को, सॉरी सोल प्राइटर को हमने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे काम अगर किए अमलगामेशन डीमर्जर या रीऑर्गेनाइजेशन तो कोई चक्कर नहीं, वॉलंटरली सेल कर दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो जितना उस पर डिडक्शन मिला होगा ना, जैसे मान लो 50 करोड़ का था और आपको 15% 32 AD मिला 7.5 करोड़, उस 7.5 करोड़ में आपकी इनकम बना दूंगा पीजीपीपी की, जिस साल ये हरकत करोगे
देख रहे हैं कि नहीं, तो भैया अमलगा मिशन वाले सेफ हैं, पर उनका जो सक्सेसर होगा, जैसे अमलगा मिशन हो गई है 2.5 साल बाद, तो बचे 2.5 साल और वो सक्सेसर निभाएगा, फिर वो 2.5 साल वो नहीं बेचेगा। तो ये है 32 AD का इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एक तरह से। भैया यहाँ एक और इंसेंटिव है कि जो लोग यहाँ प्लांट लगाएंगे तकरीबन, उनके लिए एडिशनल डेप्शन का रेट भी ज़्यादा है, 35%। आम जगह पे कितना? 20, इनके लिए 35। 35% एडिशनल डेप्शन टू बी अलाउड टू एसएससी सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज और स्पेसिफाइड स्टेट्स अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a) टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट और मशीनरी एडिशनल डेप्शन ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इज अलाउड। सच एडिशनल डेप्शन अंडर 35(1)(2)(a) इज अलाउड ओवर एंड अबव द नॉर्मल डेप्शन। कहता ये जो नॉर्मल डेप्शन है उसके अलावा होगी। अब जगह हुई है बेटा आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, वहाँ वो लिख रहा है 35% एडिशनल कर दो 20 की जगह, बाकी कंडीशन वही है। अब वो टाइम देख लेना भाई, ये टाइम रहेगा सेटअप का, ठीक है भाई। वो 180 दिन से कम हुआ तो 17.5%, बाकी फिर अगले साल करवा देना। ये बैकवर्ड एरियाज भी ले आता है वो स्टेट वाइज कि ये बैकवर्ड एरियाज, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप लिख के देगा। लो एक क्वेश्चन देखो जरा इस पे क्या कहता है। एक सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन वारंगल स्टेट ऑफ तेलंगाना ऑन द स्टेट, यहाँ तेलंगाना में चलना जरा, इधर वारंगल आ रहा है, आ रहा है। तो कहते हैं जी इट इन्वेस्टेड 30 crore इन प्लांट मशीनरी द स्टेट, 25 crore इन प्लांट मशीनरी द स्टेट, 5 crore उसमें सेकेंड हैंड है, छोड़ो। कंप्यूट द डेप्शन अंडर 32, कहता क्या कोई और बेनिफिट मिलेगा? 32 AD दे देंगे बेटा डेप्शन के अलावा। पहले तो ये देखो ये दो मशीनें, पहले सिंपल रखो, पहले नॉर्मल डेप्शन दे दो, ये डेट सर इस पे पूरी दे दो, जनरल प्लांट मशीनरी 15%, ये डेट तो लेट है, इस पे आधी नॉर्मल डेप्शन दे दो। अब ये कौन सी जगह, ये बैकवर्ड एरिया स्पेसिफाइड स्टेट का, तो भैया यहाँ पे एडिशनल डेप्शन जो है वो 35% कर दी जाएगी, 35% एडिशनल डेप्शन, यहाँ उसका हाफ इस वाले पे, तो ये आपकी एडिशनल डेप्शन हुई ख़त्म। इतना ज़्यादा सिंपल। अब 32 AD याद रखो, 32 AD किस पे मिलेगा? जो आपने यहाँ पे मशीनें खरीदी हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो बेटा पहले हमें देखना होगा कि आपने मशीन कितने की खरीदी है। सर देखो हमने 30 crore की मशीन खरीदी पहले, फिर 25 की खरीदी, और उसमें से 5 crore वाली सेकेंड हैंड थी। ये आपने मेरे साथ यहाँ भी ध्यान दिया होगा कि जब हम एडिशनल डेप्शन दे रहे थे तो इस पे तो हम दे रहे थे, यहाँ 25 के बजाय कितना हुआ था? 20। क्यों? क्योंकि ये सेकंड हैंड मशीन थी, तो ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी 30+20=50 पे मिलेगा, ये फ्लैट है, इस पे 180 दिन वाली कंडीशन नहीं लगती। बहुत अच्छे से आपको करना होगा बेटा, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे। आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक स्टडी।